Krishna
हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय राम राम माधव राम माधव राधे, जय पंचतत्मा जय पंचतत्मा पंचतत्मा जय पंचतत्मा, जय जय प्रभु 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 परिवराज का आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमदाभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त गौरव भक्त वृंद की प्रेमान ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणविता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरूप्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है आज का संडे प्रोग्राम प्रीतिवर्तनम। यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप सब सो दोबारा बुलाए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नारद मुनि व्यासदेव को फटकारते हैं माने डांटते हैं, डांटना माने हल्का सा डांटते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जैसा हम लोग सुनते हैं वैसा गाली नहीं है। तो ठीक है, तो ये प्रसंग हम लोग लेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय का प्रसंग लेंगे। तो इस प्रसंग थोड़ा सा परिचय दूंगा और उसके बाद उसमें प्रवेश होकर हम लोग इस प्रसंग में काफ़ी
ऐसा चीज़ों हैं जिसको हम लोग जरूर जानना चाहिए, एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक हैं। भक्ति की महिमा को नारद मुनि इधर विशेष रूप से कह रहे हैं, नारद मुनि व्यास जी से, और उन सभी सो जो भी हैं उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हैं उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो व्यास जी अवतरित हुए हैं द्वापर युग में, द्वापर युग का सो लास्ट संध्या में उनका अवतरण हुआ। सो व्यास जी का मुख्य उद्देश्य, अवतरण होने के मुख्य उद्देश्य तो आगे कलयुगों की लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अवतरित हुए हैं। सो व्यास जी का माता कौन है? व्यास जी का माता कौन है? सत्यवती, सत्यवती है ना। पिताजी पराशर मुनि, बहुत अच्छा है, सत्यवती और पराशर मुनि, सत्यवती पराशर की संतान है व्यास जी। और वही सत्यवती दोबारा तो किन से शादी कर लेती है बाद में? शंतनु से, शंतनु से तो शादी होगा और उसके बाद ऐसा कुरुवंश की आरंभ होगा। तो व्यास जी कलयुग की आने वाले लोग कैसा हैं? अल्पबुद्धि हैं, है ना। हम लोगों का लक्षण क्या है? सब में कॉमनली हम लोग देख सकते हैं क्या है, हम सबका बुद्धि बहुत अल्प है। और बुद्धि अल्प ही नहीं है, और भी क्या है, हम लोगों का धारणा शक्ति बहुत कम है। सो शास्त्रों को धारण इतना आसान से नहीं कर पाते हैं, और मंद बुद्धि भी है और मंद भाग्य भी है। हम लोगों का भाग्य भी बहुत तो मंद है, माने स्वल्प है। एक्चुअली ऐसा व्यक्तियों की आने वाला पीढ़ी ऐसा होंगे तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं वो? सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? बुक्स। हर एक आचार्य आते हैं, बुक्स देते हैं। सबसे हमको पहले कौन बुक्स दिए हैं? व्यास जी दिए हैं सबसे हम लोगों को। सबसे पहले हमारा आचार्य, पूर्व आचार्यों की पहले, सबसे पहले आचार्य हमारा तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन बुक्स देना शुरू किए हैं कौन? व्यास जी। व्यास जी क्या किए हैं कि हम सब वेद एक भाग में रहेगा, एक में रहेगा तो पूरा तो नहीं धारण कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या किए उन्होंने, वेद को चार भाग किए हैं। तो इससे क्या होगा, सो जैसे टुकड़ा बनाएंगे, जैसा हम लोगों का सिलेबस, जैसा कॉमर्स वाले हैं, हिस्ट्री वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए या नहीं? ऐसा नहीं बना कर सबको एक ही डिपार्टमेंट रखेंगे, सबको एक ही क्लास में, तो सभी सब्जेक्ट्स सब लोग पढ़ना है तो कितना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। वैसा वेदों को भी डिवाइड किए हैं, वेदों को डिवाइड किया है, अच्छा है। तो इसलिए चार भाग किए हैं। तो कौन है वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस आधार पर इनको विभाजन किए हैं? तो क्या है आधार, क्या है? तो जैसे यज्ञ करते समय चार प्रकार की ऋत्विक चाहिए, कौन है वो? तो होता, अध्वर्यु, तो उद्गाता और ब्रह्मा। ऐसे चार प्रकार की लोग जब भी एक यज्ञ करते हैं, जैसा राजस्वी यज्ञ है और कोई भी यज्ञ है, तो चार लोगों की, चार ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ता है। तो एक एक व्यक्ति एक एक अलग अलग मंत्र को उच्चारण करते हैं। सो होता कौन सा मंत्र उच्चारण करते हैं, और उन सभी मंत्रों को उस वेद से, वेद पहले एक ही है, वेद का नाम क्या है? यजुर्वेद। पहले सब वेद तो एक ही में है और उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद से होता, होता जो ऋत्विक है होता, उन्होंने जो मंत्र उच्चारण करते हैं उन सभी मंत्रों को उधर से निकाल दिए हैं, निकाल के उसको एक भाग बना दिया, उसका नाम क्या हो गया? ऋग्वेद। आप लोग कल से नहीं तो अभी से एक पुस्तक लेके आइए, क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, बहुत कुछ पॉइंट्स आएगा, मतलब याद रखना पड़ेगा। आप लिखते तो अच्छा है एक्चुअली, नहीं तो भूल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोलना भूल गए, लेकिन जनरली हम लोग तो, मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं जनरली क्लास करता हूँ एक्चुअली। मेरा आदत है क्लास करना एक्चुअली। तो हम अपने स्टूडेंट समझ के पढ़ाते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए ये क्लास जैसा नहीं, ये प्रवचन नहीं है बल्कि क्लास है एक्चुअली। ठीक है,
तो इसलिए क्या लिए हैं हम लोग उधर से, सो यजुर्वेद से, सो सभी मंत्र जो भी हैं, सो होता उच्चारण करते हैं उन सबको, तो एक भाग बना दिया, एक उसका नाम हो गया ऋग्वेद। तो उसके बाद कौन है, उद्गाता, उद्गाता एक ब्राह्मण है और उन्होंने जो मंत्रों को उच्चारण करते हैं उन सभी उस यजुर्वेद से निकाल के रख दिया और उसका नाम क्या हो गया, सामवेद हो गया। तो अध्वर्यु, तो जो भी अध्वर्यु ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जो भी मंत्रों को उच्चारण करते हैं उन सबको निकाल के एक बना दिया और उसका नाम हो गया यजुर्वेद। और ब्रह्मा है, चार है, चौथा ब्राह्मण को है ऋत्विक, सो ब्रह्मा है और उन्होंने जो भी मंत्र है उस यजुर्वेद से जो उच्चारण करते हैं उन सबको निकाल के एक भाग बना दिया। माने ब्रह्मा जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, जिन मंत्रों को उच्चारण करते हैं उन सबको एक भाग बना दिया और उसका नाम हो गया अथर्ववेद। ऐसा चार वेद हो गया। और जो बाकी हैं इस यजुर्वेद में, जो मेन में है, उसमें जो भी है कहानियां हैं उन सभी कहानियों को निकाल के पुराण और इतिहास बना दिया गया। ठीक है, अभी कितना हो गया वेद, कितना भाग है, पांच है। कितना वेद है, पांच वेद है। इतिहास पुराणानि पंचम वेदः। इतिहास और पुराण क्या होता है, पांचवा वेद होता है। हम लोग सोचते हैं कि वेद चार हैं, लेकिन पांच हैं और इतिहास पुराण भी वेद ही हैं। तो लेकिन शंकराचार्य क्या किए हैं, इतिहास और पुराण वेद नहीं है और बल्कि वो स्मृति कहकर उसका स्थान को नीचे गिरा दिए। इससे क्या हुआ, तो साक्षात भागवत में भगवान की महिमा और भक्ति की महिमा गुणगान किया गया और उसको भी वेद की स्तर देंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट भक्ति को लेना, स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन इसीलिए उन्होंने चालाकी से क्या किया, वेद चार भाग ही हैं, इतिहास पुराण स्मृति है करके उसको नीचे कर दिया। तो लेकिन एक्चुअली भागवत में क्या कहा गया, वेद कितना, तो पांच है एक्चुअली। इतिहास पुराणानि पंचम वेद करके लिखा हुआ है, चौथा अध्याय, प्रथम स्कंद चौथा अध्याय में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इतना मैंने व्यास जी, तो क्यों ऐसा, वेद ही हमारा जीवन का आधार है। ये पूरा सृष्टि हुआ कैसा है पता है आप लोगों को, कैसे हुआ सृष्टि, ब्रह्मा जी की है ना, सो कैसे किए हैं, जैसे हम लोगों फैक्ट्री में कुछ सामान बनाते हैं, कुछ माने कोई भी एक एग्जांपल, टूथपेस्ट बनाना है, टूथपेस्ट के लिए एक केमिकल से इतना मिक्स करना है और इसके बाद ये करना है, ये करना, एक प्रोसीजर रहता है या नहीं, है ना। तो ऐसा हर एक चीज का एक माने कंपनी में जो भी है वस्तु बनता है उन सबका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर रहता है या नहीं, और वो प्रोसीजर पूरा कहाँ लिखा रहता है, कोई ना कोई एक गाइडिंग मैनुअल रहता है और उसी के अनुसार सब उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये पूरा सृष्टि, जैसे हर बार ब्रह्मा जी आते हैं, अलग अलग ब्रह्मा जी सब लोगों एक ही जैसे बनाते हैं। जब भी ब्रह्मा जी, नेक्स्ट ब्रह्मा जी आएंगे तो मनुष्य माने दो आंख, दो कान और एक नाक और एक मुंह, ऐसे रहेगा ना, वैसे बनाएंगे या नहीं, अलग बनाएंगे क्या, चार पैर और चार हाथ ऐसा बनाएंगे, नहीं है ना। तो मैंने हर एक ब्रह्मा जी एक ही जैसा बनाते हैं हर बार, तो मैंने हर सृष्टि में ब्रह्मा जी बदलते हैं या नहीं, तो जब बदलते हैं तो हर एक बार ब्रह्मा जी एक ही जैसा बनाते हैं, कैसा माने वो एक ही जैसे बना रहे हैं, क्या आधार है, सभी ब्रह्मा जी के एक रेफरेंस तो रहा चाहिए ना, एक रेफरेंस मैनुअल रहना या नहीं, तो उसका नाम क्या है बोलिए, मनुसंहिता, कौन बोल रहे हैं नहीं मनुसंहिता नहीं, मनुसंहिता माने वो बाद में लिखा हुआ है, संहिता क्या है, जैसे कंपनी में एक अलग माने एक पहले प्रोडक्शन इंजीनियर एक है और उन्होंने एक प्रोडक्शन बना दिया, नेक्स्ट वो तो कुछ दिन के बाद वो चले गए, कंपनी छोड़ दिए, दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियर आया, तो वो भी वही सिस्टम फॉलो करेंगे ना, क्यों ऐसा, एक ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए नहीं। सो एक कंपनी में हर बार माने इंजीनियर्स बदलते रहते हैं लेकिन फिर भी तो एक ही जैसा काम होता रहता है, क्यों होता है, मैनुअल रहते हैं उधर प्रोसेसिंग मैनुअल एक रहता है या नहीं, तो वैसा ही ये सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी बार बार बदलते हैं या नहीं, तो मैंने लेकिन सब लोग एक ही जैसे बनाते हैं या नहीं, हर बार जैसे प्यास लगती है तो पानी ही पीना पड़ता है ना, तो मैंने प्रकाश देने के लिए सूर्य ही रहता है, तो उसका नाम प्रकाश देने वाला का नाम सूर्य ही रखा जाता है, ये सभी कौन रखते हैं, और ये सभी सृष्टि में जितना है, जैसा खाना खाने से हमारा पूरा पचता है और हमारा आंखों देखने के लिए है, ये सभी डिसाइड कौन करते हैं, ये मनुष्य से सिस्टम कौन बनाते हैं, नहीं ब्रह्मा जी बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कैसे बना रहे हैं, हाँ कैसा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म माने क्या, अर्ध उधर
प्रथम श्लोक पता है या नहीं भागवत का? भागवत की प्रथम श्लोक में क्या पढ़े हम लोग? जन्माद्यस्यतो अन्वयात् यत्र तस्योत्तरतश्चाद् जन्माद्यस्यतो अन्वयात् यत्र तस्चाद् देश विघ्नस्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुआ तब उनको तो कुछ भी नहीं पता है वो क्यों जन्म लिए हैं या नहीं, तो उनको तप करके शब्द सुनाया तो उसके बाद तपस्या किया, तब क्या हुआ उनको बाद में? उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो वो कौन सा ज्ञान प्रकाशित हुआ? सृष्टि बनाने के लिए ज्ञान। वो क्या, वो कहाँ से मिला, वो क्या है? वही वेद हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि माने कौन है उधर? ब्रह्मा जी। सो हृदय माने क्या है? हृदय में। तो क्या प्रकाशित हुआ? तेने माने विस्तृत किया गया। क्या विस्तृत किया गया? ब्रह्म। ब्रह्म माने वेद। वेद विस्तृत किया गया माने जब भी ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है उसी समय पर उनके हृदय में वेद का प्रकाशित प्रकाशन होता है। कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं। और उस ज्ञान के अनुसार सृष्टि करते हैं। तो माने मनुष्य रहना है और ऊपर लोकों में देवता रहना है, नीचे लोकों में जो भी जिसका कर्म माने बहुत दुर्गति है, माने बैड कर्म है, वे लोग नीचे लोकों में रहना है। और जिसका कर्म माने रजोगुण है और कर्मफल भोगना है, उन लोगों को भूलोक में रखना है। ये सभी इंफॉर्मेशन के पास कहाँ से आया? वेद से आया। समझ में आया? तो माने सब कुछ ज्ञान कहाँ है? वेद में है। जब भी ब्रह्मा जी दूसरे बदलते हैं फिर भी कौन करते हैं? तो हर वक्त हर ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं उनके हृदय में वेद को प्रकाशित करते हैं, तब वो ब्रह्मा जी तो एकदम वेद के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। समझ में आया? तो ठीक है। तो माने ब्रह्मा जी वेद के अनुसार सृष्टि करते हैं, तो इसीलिए वेद ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण। और ऐसा वेद को हम लोगों को भी जानना चाहिए। क्यों जानना है? क्योंकि इस सृष्टि में हम लोग भी व्यवहार करते हैं या नहीं? कुछ माने अलग अलग माने हमारा धर्म क्या है, सो मनुष्यों कितना प्रकार विभाजित किया गया, कौन सा वर्ण है और उस वर्ण का क्या धर्म है, और क्या कर्म का माने क्या होता है, और भक्ति माने क्या होता है, ज्ञान माने क्या होता है, ये सबका इंफॉर्मेशन कौन देते हैं? वेद देता है। तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी वेद के अनुसार सृष्टि किए हैं और इस सृष्टि में रहने वाले भी उस वेद के अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए। तो इसीलिए ये वेद सभी एक ही भाग में है। और वो कौन है? पहले एक ही भाग में था ना, यजुर्वेद। अरे आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, चलिए आप थोड़ा सा एक्टिव रहना है, चलो आंसर बोलना है तुरंत तुरंत हमको, तो ऐसा नहीं तो तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ठीक है, अभी एक यजुर्वेद है तो पूरा के पूरा ऐसा के ऐसा जैसा कि जैसा रख देंगे तो क्या होगा? इस कलयुग में रहने वाले सब लोगों क्या है? मंद बुद्धि वाले हैं और उनका स्मरण शक्ति ज्यादा नहीं है। तो क्या होगा? तो इन लोगों को पूरा इतना बड़ा सिलेबस रखेंगे तो पूरा एकदम डल हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या किए हैं? तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि किए हैं लेकिन वेद व्यास जी आके उसको व्यास माने विभाजन किए, वेदों को विभाजन करने वाला नाम क्या हो गया? वेद व्यास। व्यास माने विभाजन करना, वेद माने वेदों को, वेदों को विभाजन करने वाला वेद व्यास जी। सॉरी ठीक है। तो उन्होंने विभाजन करके रख दिए हैं और उसके बाद पुराण और इतिहास माने पांच भाग कर दिए हैं, और स्त्री और शूद्रों के लिए और द्विज बंधुओं के लिए भी, तो वंचित नहीं होना चाहिए, उन लोगों को भी ज्ञान जरूरी है, इसीलिए उन लोगों के लिए और इतिहास और पुराण सॉरी के हैं, और इतिहास का नाम है महाभारत। और लिख कर उसको एक एक को एक एक तो अपॉइंट किए हैं। कौन माने एक इंचार्ज को अपॉइंट किए? ए आप ऋग्वेद को, सो ऋग्वेद को आप आगे बढ़ा दीजिए समाज में, और आपका स्कूल का नाम है ऋग्वेद, और ऐसा यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ऐसा एक एक ऋषि को तो इंचार्ज बना दिए हैं, और इतिहास पुराणों को रोमहर्षण को भी इंचार्ज बना दिए, और आप लोगों ये स्कूल को चला दीजिए और आपका स्टूडेंट सब ये सीखे और समाज में उस वेद का ज्ञान को लुप्त ना करने देना है। इस प्रकार तो विभाजन हो गया। तो
इतना सब कुछ किए हैं मैंने वेद व्यास जी, बहुत अच्छे से आने वाले लोगों के लिए महाभारत भी लिखे हैं। भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युता। तो व्यास जी सोच रहे हैं मैं तो इस समाज में रहने वाला आगे आने वाला सबके लिए मैं सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनका हृदय में संतुष्टि नहीं है, क्यों नहीं है? ये अभी आज का डिस्कशन है। इतना अच्छा किए मैंने, पूरा समस्त चार वेदों को अच्छा से विभाजन किए हैं स्त्री शूद्रों के लिए। महाभारत, महाभारत माने इतना बड़ा ग्रंथ है, माने समस्त वेदों का जितना भी अर्थ है वो सब अर्थ महाभारत में रखा गया। सो महत्वात् भारतत्वात् महाभारतम इति उच्यते, माने वो महान है, वो ग्रंथ महान है। और तो भारत्वा, भारत्वात् माने वो जितना भी वेदों सभी एक तराजू लेकर समस्त वेदों को एक थाली में रख दिया और महाभारत को एक थाली में रख दिया। तो किसका वजन ज्यादा है? महाभारत का वजन ज्यादा है। क्यों? महाभारत में उतना ज्ञान है। वजन माने इधर क्या है, ऐसे फिजिकल वजन नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। तो एक बार मैंने देवताओं को डाउट आया, ये महाभारत क्या है एक्चुअली, इसको महाभारत क्यों कहते हैं करके ब्रह्मा जी के पास गए। तो कौन श्रेष्ठ है, वेद श्रेष्ठ है, महाभारत श्रेष्ठ है? तब सब ब्रह्मा जी फाइनली क्या डिसाइड किए हैं, महाभारत ही श्रेष्ठ है करके तो निर्णय कर लिए हैं। तो जब महाभारत इतना श्रेष्ठ है तो मैं इतना बड़ा महाभारत को मैं इन सबको दिया, तो लेकिन फिर भी क्यों इन लोगों को, मैंने मैं कुछ तो मिस किया करके उनके हृदय में सो दुख होने लगा। तो क्या है वो अपने आप में सो चिंतन करने लगा इस प्रकार। तथापि बत मे दह्यो ह्यात्म चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि भतमे दैह्यो ह्यात्म चैवात्मना असंपन्न इव आभाति, असंपन्न इव आभाति माने हृदय में संतुष्टि नहीं है। तो मैं बहुत अच्छा काम किया, मैं सब कुछ दे दिया, ऐसा करके फीलिंग नहीं आ रहा है। तो क्यों वहा, मैंने अपने आप में सोच रहे हैं कि क्यों वहा, भागवत धर्म न प्रायण निरूपिता, क्या मैं भागवत धर्मों को अच्छा से निरूपण नहीं किया है क्या? माने भगवान के संबंधित धर्म के बारे में भागवत धर्म को मैं अच्छा से निरूपण नहीं किया क्या? क्या हुआ एक्चुअली, क्यों? कभी कभी हम लोगों को लगता है या नहीं, तो कभी कभी कुछ करने के बाद भी कुछ तो मिसिंग है, माने किसी को कुछ भलाई करने के बाद भी आपका मन में लगता है कि और भी कुछ करना चाहिए, कुछ मिसिंग हो रहा है, ऐसा ऐसा फीलिंग होता है या नहीं? होता है एक्चुअली। तो ऐसा व्यास जी को भी तो ऐसा फीलिंग हो रहा है। उन्होंने कहाँ बैठे हैं अभी, अपना बद्रिकाश्रम, तो हम लोग रिसेंटली गए हैं उधर तक, तो नहीं गए लेकिन ऋषिकेश तक जाकर वापस आए एक्चुअली। तो बद्रिकाश्रम में वो सरस्वती नदी है, उस नदी की तट पर बैठ के तो इतना करने के बाद सोच रहे हैं एक्चुअली बैठ के, क्या हुआ, तो मुझे इतना संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो कुछ तो कुछ कमी है, वो कमी क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसा उन्होंने अपने आप को अपने अंदर में अंदर सोचने लगा। तस्यैव अखिलम् आत्मानं मन्यमानस्य किद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यगाद् आश्रमं प्रागुदाहृतम्। लेकिन आप लोगों को एक प्रश्न पूछना है, वेदव्यास जी कौन है पता है आप लोगों को? कौन है वेदव्यास जी? भगवान का अवतार है। भगवान के अवतार होकर क्यों उनको अपना असंतुष्टि का रीजन नहीं पता चल रहे हैं? क्या है ये कारण, क्या है, क्यों ऐसा, क्यों? वो तो भगवान के अवतार है ना साक्षात, और उन्होंने अपना एक है बात, उनका हृदय तो प्रसन्न नहीं है। भगवान के अवतार होकर हृदय की प्रसन्न ना होना, और वो प्रसन्नता ना होने के कारण भी नहीं जान पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है चले? तो साक्षात भगवान का अवतार ही है, कृष्ण द्वैपायन कौन है, भगवान का अवतार है एक्चुअली। हम लोगों लघु भागवतामृत में देखेंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं एक्चुअली। तो ये साक्षात तो कृष्ण भगवान का ही अवतार है, ये इसलिए इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो ऐसा भगवान के अवतार होकर ये सब क्या हो रहा है एक्चुअली, उनके हृदय में क्यों ऐसा असंतुष्टि है? भगवान की कोई असंतुष्टि रहता है क्या? नहीं रहता है ना, और असंतुष्टि रहती तो भी रीजन तो पता चलना चाहिए ना, और रीजन भी नहीं पता चल रहा, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई आंसर बोलिए।
हाँ बोलिए। हाँ अपना मुनि नारद मुनि को सीन में लाना चाहते हैं और कोई भगवान होकर ऐसा क्यों हो रहे हैं? बोलिए माता जी थोड़ा जोर से बोल। नहीं मेरा प्रश्न है कि उनके हृदय में असंतुष्टि है माने चित्त प्रसन्न नहीं है और वो अप्रसन्नता का कारण भी नहीं जान पा रहे हैं। ये दोनों ऐसा क्यों माने पहले भगवान होकर भगवान के अवतार होकर चित्त की अप्रसन्नता तो नहीं होना चाहिए और वो क्यों हो रहे हैं और होते तो भी उसका रीजन नहीं पता चल रहे ऐसा क्यों नहीं पता चल रहे इसका आंसर कौन बोलेंगे? हाथ उठाइए नो हाँ आप हाथ उठाइए क्या नहीं है ना प्रभु नहीं लेकिन मेरा प्रश्न आप लोग जानना है चलिए आंसर बोल रहे हैं आप लोग दूसरा आंसर बोल रहे हैं लेकिन मेरा प्रश्न है कि भगवान के अवतार होकर चित्त की अप्रसन्नता क्यों है और वो रीजन भी नहीं जान पा रहे क्यों है क्योंकि माता जी मनुष्य का भूमिका निभा रहे हैं। तो इस पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं चलिए तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि भगवता श्री कृष्णेनैव स्वसदृशस्य सर्वशास्त्र शिरोमणे श्री भागवतस्य प्रादुर्भावार्थमेव बलात् उपपादितौ माने फोर्सफुली व्यास जी में वो दोनों क्या दोनों है चित्त की अप्रसन्नता और दूसरा उसका रीजन नहीं पता चलना ये दोनों उनमें सो हो रहे हैं संपन्न हो रहे हैं उपपादित हो रहे हैं क्यों किसके कारण हो रहे हैं तो भागवत की प्रादुर्भाव होना चाहिए इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने की समान जो श्रीमद् भागवतम है उसका प्रकट करने के लिए व्यास जी की हृदय में चित्त की अप्रसन्नता और उसका रीजन को ना पता चलने देना ये दोनों खुद कौन किए हैं कृष्ण भगवान साक्षात किए हैं क्यों रीजन इसीलिए है कि भागवत की प्रकट होना है अभी यदि वो नहीं होते तो क्या होता था बस जितना लिख लिया उतना हो जाता है और भागवत प्रकट नहीं होते था एक्चुअली ये रीजन एक्चुअली तो इसीलिए श्री कृष्ण ही नहीं हो माने भगवान स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं तो क्योंकि वो जा रहे हैं अभी वापस लौट के चले जाने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान इसीलिए और वो उनका प्रतिनिधि सो उनका प्रतिनिधि कौन है श्रीमद् भागवत तो श्रीमद् भागवत को प्रकट करना चाहते हैं तो इसी उद्देश्य से इस प्रकार माने भागवत की प्रकट होने के लिए व्यास जी में ऐसा फोर्सफुली सो फोर्सफुली ये दोनों चित्त की अप्रसन्नता और उसका रीजन नहीं पता चलना ये दोनों तो भगवान स्वयं खुद दे दिए हैं तब ना तो नारद जी सीन में आ जाएंगे नहीं तो कहा है नारद जी कहा आएंगे और भागवत की प्रकट होगा कहा तो ये दोनों नहीं होता था ठीक है तो ये है ऐसा सेम चीज कब हुआ जब ब्रह्म विमोहन लीला में आप लोगों को पता है ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ ब्रह्मा जी पूरा सभी सो गाय बछड़ो गोपों सबको चोरी कर दिया और भगवान क्या किया खुद ही बछड़ा बन गए और खुद ही तो गोप बाल बन गए सब बन गए और जब बन गए एक महीना बीत गया लेकिन तो ना कोई भी माँ पहचान पाए कोई गाय भी पहचान नहीं पाए कि ये तो मेरा बछड़ा नहीं है ये साक्षात भगवान ही करके खुद वो भी नहीं पहचान पाए कोई भी माँ भी मैया भी जो भी हैं गोपियाँ कोई भी मैया पहचान नहीं कर पाए तो खुद साक्षात बलराम जी भी पहचान नहीं पाए सो भगवान बलराम जी तो साक्षात भगवान का ही तो पहले पहले व्यू है मैंने सो भगवान से बलराम जी का व्यू होता है तो ऐसा भगवान साक्षात भगवान होते हुए वो भी नहीं पता कर पाए क्यों ये क्योंकि भगवान चाहते हैं कि लीला संपन्न हो सके यदि लीला संपन्न नहीं यदि बलराम जी को पता चलते तो क्या बोलते थे वो तुरंत बोल देते जैसे मैया गए ये तो कृष्ण है ये सभी तो गाय नहीं है बछड़ा नहीं है और हमारा गोप नहीं है सबको सब बोल देते थे सीक्रेट को रिवील कर देता इसीलिए क्या करते हैं चलिए भगवान की जो भी है लीला शक्ति तो लीला शक्ति क्या करती है सबका ज्ञान को आवृत कर देती है इतना सामर्थ्य रहता है कि लीला शक्ति में सबका ज्ञान को सबका चेतना को आवृत कर देके क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम क्या है लीला शक्ति का काम उनका काम एक ही है कि तो भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा लीला संपन्न होना चाहिए
ये काम करती है लीला शक्ति। तो जैसे एग्जांपल, तो पूतना आ गई, पूतना आई, तो जब पूतना आई तो सभी गोपों टैक्स पे करने के लिए मथुरा चले गए हैं, कोई नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्टली नंद महाराज के घर आई, उनको कोई बोला नहीं, इन्फॉर्मेशन एड्रेस नहीं बोला, तो वो कैसा हुआ एक्चुअली, पूतना को कैसे पता चले, पहले बार आई तो गोकुल तो खुद उनको कैसे पता चला। तो ये सभी लीला शक्ति क्या करती है, तो भगवान की लीला संपन्न होने के लिए, क्योंकि भगवान को अल्टीमेटली आनंद आना चाहिए, जब पूतना आएगी और उसके वध करेगी, भगवान उनका वध करेंगे और सभी माताओं बहुत मैंने तो भगवान की ऐसा हानि हो रहे करके उन लोगों में प्रेम उच्छलित होते हैं और उस प्रेम को भगवान सो आस्वादन करना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान की लीला की संपन्नता के लिए क्या होता है, तो लीला शक्ति सभी कुछ मैंने जो भी अनुकूल है वो सब बना देते हैं। जैसा यमुना है, यमुना में सभी गोपियों उससे साथ में खेलना है तो यमुना की तो विस्तीर्ण भी मैंने एरिया भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए लीला शक्ति ऐसा करती है। तो वैसा ही इधर भी क्या हुआ, तो जैसा ब्रह्म विमोहन लीला में भी सो बलदेव की जैसा ज्ञान को लीला शक्ति कवर कर दिया भगवान की शक्ति, तो वैसा ही इधर व्यास जी का भी सो ज्ञान को कवर किया गया और उनके चित्त में अप्रसन्नता है और उसका रीजन भी वो पता नहीं कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली कारण क्या है, श्रीमद् भागवत को प्रकट कराना चाहते हैं भगवान इसीलिए। तो ऐसा बहुत दुखी है, तो व्यास जी दुखी होकर उस सरस्वती की नदी पर बैठे हैं और इतना में क्या हुआ, तो उधर नारद मुनि आ गए हैं। नारद मुनि आके तो आते ही बस तुरंत क्या किए, व्यास जी उठ खड़े हैं, प्रत्युत्था आगतम मुनि पूजयामास विधिवत। तो मैंने विधि के अनुसार जब भी कोई भी गेस्ट आते तो क्या करते हैं जनरली, तो पहले पैर को धोने के लिए पानी देते हैं और उसके बाद तो हाथ को मैंने पाद्य और अर्घ्य, तो यही होता है ना गांव में जनरली यही होते हैं, हम लोग सभी गांव में जब भी कोई भी घर आए थे तो पहले पहले तो पैर धोने के लिए पानी देते हैं और उसके बाद हाथ को धोने के लिए भी पानी देते हैं और उसके बाद एक एक गमछा कुछ कपड़ा देते हैं और पहुंचने के लिए और उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, आसन देते हैं, आसन देते हैं और आसन देने के बैठने के बाद तो आसन देते हैं और उसके बाद सो पानी और कुछ देते हैं ऐसा विधिवत। तो नारद मुनि का पूरा सो सेवा किए हैं व्यास जी, सो सुर पूजितम। तो इसके बाद क्या हुआ, इधर से पंचमाध्याय इधर से शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग अभी तक हम लोग बैकग्राउंड में वर्क किए हैं, अभी ऑलरेडी टाइम हो जा रहा है, तो असली पॉइंट तो अभी तक शुरू नहीं किए हैं, तो अभी स्टोरी शुरू हो रहा है। तो ऐसा अच्छा से बैठे हैं व्यास नारद मुनि और पास में सो व्यास जी बैठे हैं एकदम पास में बैठकर, सो अततम सुखमासीनः उपासीनं बृहस्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणा पाणि स्मयन्निव। तो नारद मुनि पहचान लिए हैं उनका स्थिति को, पूरा एकदम चित्त में अप्रसन्नता है। तो ऐसा तो अप्रसन्न चित्त वाले एकदम क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हैं व्यास जी और उनका चेहरा को देख रहे हैं व्यास देवर्षि नारद, और वीणा है उनके हाथ में, वीणा पाणी। सो हर वक्त देवर्षि नारद क्या करते हैं, तो अपना हाथ में वीणा को लेकर बजाते रहते हैं और व्यास जी का चेहरा देखकर एकदम उनके मुंह पर एकदम स्माइल आ गया, एक हंसी हसमुख हो गए, लेकिन हंसना चाहिए लेकिन हंसा नहीं, क्योंकि नहीं हंसे, क्योंकि नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से वो दुख में है और उन्होंने पूरा एकदम दुखी होकर चेहरा ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हैं और फट करके हंसेंगे तो अच्छा नहीं है ना, तो कोई भी किसी का दुख को देखकर हंसेंगे तो कैसा लगेगा, एकदम बैड, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए एकदम लेकिन उनका अज्ञानता को देख कर सो व्यास जी का तो नारद की चेहरा पर थोड़ा सा हंसी आया, स्मयन निवा माने हंसने की चेहरा ऐसा लगा के बैठे हैं बस लेकिन हंसा नहीं। तो तब तो ऐसा स्थिति को देखकर व्यास जी का स्थिति नारद मुनि ऐसा पूछने लगा, नारद हुआ अच्छा, पाराशर्य महाभाग भवत कश्चिद आत्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एवा। हे पाराशर्य
तो नारद मुनि ऐसा कह रहे हैं, हे पराशर के पुत्र, हे महाभाग, तो ऐसा दो संबोधन किए हैं। ये दोनों संबोधन करके तो ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, सो शरीर अभिमानी शारीर, माने शरीर पर अभिमान रहते हैं, माने जो अपने आप को शरीर समझता है वो सुखी रहते हैं नहीं रहते हैं। तो शरीर, जो अपने आप को शरीर समझने वाला वो सुखी नहीं रहते हैं, अपने आप को मन समझते हैं वो भी सुखी रहते हैं क्या? वो भी सुखी नहीं रहते हैं। तो नारद जी कहे हैं, जो अपने आप को शरीर मानते हैं वो भी सुखी नहीं रहते हैं, जो अपने आप को मन मानते हैं और वो भी सुखी नहीं रहते हैं, लेकिन आप ये दोनों तो नहीं है। आप कौन है? आप पराशर के पुत्र हैं। तो माने आप ऐसा महान व्यक्ति का पुत्र हैं जो समस्त शास्त्रों को, समस्त ज्ञान को जानते हैं, ऐसा व्यक्ति का पुत्र हैं आप, और उसके साथ साथ महाभागा आप स्वयं भी महाविद्वान हैं। ऐसा विद्वान होकर आपके हृदय में क्यों ये दुख है? कोई भी जैसा कर्मी है, कर्मी लोगों दुखी रहते हैं। क्यों कर्मी लोग दुखी रहते हैं? उनका काम पूरा नहीं होता है ना। उन्होंने हर वक्त क्या करते हैं, मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ और लेकिन मुझे यही मिला, तो इसीलिए दुखी होता है और इसीलिए उन लोगों को दुख होता है। लेकिन आप तो वेदों को विभाजन कर दिया और महाभारत की रचना किए हैं आप, इसके ऊपर वेदांत सूत्रों का भी रचना किए हैं और समस्त ज्ञान तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपका हृदय में क्यों दुख है? आप तो पराशर के पुत्र हैं, आप स्वयं भी महान हैं, माने वंशज भी ऐसा वंश में जन्म लिए हैं आप, और एक साधारण वंश नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति हो आप, आपके हृदय में क्यों है ये दुख? जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिब्रह्मितं। और भी कह रहे हैं नारद मुनि, जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं। हे व्यास, आप महा अद्भुत ग्रंथ की रचना किए हैं। वो कौन है? वो महाभारत है। महाभारत की रचना किए हैं और उस महाभारत में समस्त ज्ञान है, माने कौन क्या करना चाहिए, दुख का कारण क्या है और कौन दुखी होता है, किस स्थिति में दुखी होता है और उस दुख का निवारण क्या है, ये सब कुछ आप वर्णन किए हैं। तो फिर भी आप दुखी क्यों हैं? फिर भी आपका हृदय में क्यों इस प्रकार की अप्रसन्नता है? क्या कारण है ये? तो क्या शास्त्र ज्ञान तो नहीं है क्या? ऐसा तो बात नहीं, आपके पास पूरा शास्त्र के ज्ञान है, लेकिन फिर भी क्यों? तो क्या इसका कारण क्या है? इस प्रकार तो नारद मुनि पूछे हैं, तव शास्त्र ज्ञानम किंचित अपेक्षितव्यम तद अलब्ध मूलकोयम विषाद इति वाच्यम और चा अनुभव ज्ञानम अपेक्षितम इत्यपि वाच्यम। इसके ऊपर और भी, जिज्ञासितम अधीतम च यत्त ब्रह्म सनातनम। हे व्यास, आप तो ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा भी किए हैं। ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा किया माने इसका अर्थ क्या है, ब्रह्म क्या होता है, इसका पूरा विवरण कर दिए हैं। किस में किए हैं उन्होंने? वेदांत सूत्र की रचना किए हैं। वेदांत सूत्र क्या होता है? वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र है, सो वेदों में उपनिषद रहता है ना, कर्म कांड, देवता उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड माने उपनिषद, उन सभी उपनिषदों का जो भी है अर्थ सूक्ष्म माने सूत्रों के रूप में दिए हैं और उन सूत्रों का नाम है वेदांत सूत्र। वेदांत माने क्या है? उपनिषद। वेदांत माने उपनिषद, उपनिषदों का दूसरा नाम है वेदांत, माने वेदों का अंत है, माने वेदों का सार है उपनिषद। और उपनिषदों में क्या ज्ञान है? ब्रह्म की संबंधित में ज्ञान है। ऐसा वेदांत सूत्रों का आप तो अच्छा से विचार किए हैं, माने ब्रह्म की संबंधित विचार पूरा किए हैं, क्योंकि आप उस उपनिषदों की आधार से ये सूत्र बनाए, माने इसके अर्थ आपको तो समस्त माने ब्रह्म के संबंध में ज्ञान आपको तो पता है। और केवल ज्ञान पता ही नहीं है और जिज्ञासितम अधीतम चा, माने उसका आप ब्रह्म का अनुभव भी किए हैं आप, माने उसका अनुभव भी किए हैं, अब ब्रह्म का अनुभव किए हैं आप।
तो फिर भी आप दुखी क्यों हैं? ब्रह्म की अनुभव करने के बाद भी क्यों आप दुखी हैं? यह सनातनम नित्यम ब्रह्म व्यापकम निर्विशेषम स्वरूपम यद्यपि जिज्ञासितम वेदांत सूत्र का सूत्रकरण ही विचारितम। वेदांत सूत्रों के द्वारा ब्रह्म की विचार अच्छा से किए हैं आप, और विचार करना ही नहीं उसको अनुभव भी किए हैं आप, तो फिर भी क्यों आप दुखी हैं भाई, बोलिए। ऐसा कौन पूछे है? नारद जी पूछे है। क्या क्या बोले हैं अभी नारद जी, एक बार आप लोग रिवाइज करके बोलिए क्या बोले हैं पहले। अरे आप तो पराशर के पुत्र हो और स्वयं आप भी महान हैं, महाभाग है, ऐसा कह दी। आप तो शरीर की प्रति अभिमान रहने वाला तो नहीं है, आप मन की प्रति अभिमान रहने वाला भी नहीं है। और माने जनरली शरीर के प्रति जिसका अभिमान रहता है, मन के प्रति जिसका अभिमान रहता है, उन दोनों दुखी होते हैं। आप तो ये दोनों कैटेगरी में है नहीं, आप तो पराशर के पुत्र हैं और ऐसा महान व्यक्ति का पुत्र हैं, और इसीलिए आपको स्वतः ज्ञान रहता है और खुद भी आप बहुत बड़ा व्यक्ति है। और इसके ऊपर भी क्या बोले हैं आप, और नारद जी और भी क्या बोले हैं, इसके ऊपर आप महाभारत का रचना किए हैं और महाभारत में सब कुछ ज्ञान है, तो और महाभारत में सब कुछ ज्ञान है और सब कुछ आप जानते। इतना ही नहीं, उसके ऊपर और क्या है, वेदांत सूत्रों के द्वारा वेद की माने ब्रह्म की विचार भी किए हैं और उसका अनुभव भी किए हैं, उसका अनुभव भी किए हैं, तो और क्या बचा अभी? सब तो हो गया आपका, आप तो खुशी होना चाहिए। अथापि सोचसी आत्मानम अकृतार्थैव प्रभो, हे प्रभो तो क्यों आप दुखी है भाई, बोलो। तब क्या बोल रहे हैं चलने, तो व्यास जी इसको उत्तर दे रहे हैं अभी। अस्त्वेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्म परितुष्यते, हे महाप्रभो, हे गुरुदेव, आप जो बोल रहे हो सब कुछ सत्य है। मैं तो महाभारत की रचना भी किया हूँ, मैं पराशर के पुत्र भी हूँ, मैं तो ब्रह्म की विचार भी किया हूँ, मैं उस ब्रह्म का अनुभव भी किया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। आप जो कह दे वो सब सही है, फिर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं। तन मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे, ये जो मेरा चित्त की अप्रसन्नता है उसका मूल कारण क्या है? मूलम तन मूलम, उस अप्रसन्नता का मूल क्या है? अव्यक्तम, मैं जानता नहीं हूं। अगाध बोधम, तो इसका रीजन बहुत गहरा ही है एक्चुअली, क्योंकि हम जितना जानते हैं उतने से हम जान माने इसका कारण जान नहीं पा रहा हूं, मेरे चित्त की अप्रसन्नता का कारण नहीं जान पा रहा हूं। थोड़ा सा आप बोलेंगे क्या, पृच्छामा माने हम सब पूछ रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं इधर, मैं तो एक छोटा सा पराशर के पुत्र हूं, लेकिन आप कौन है? आप आत्मभूतम आत्मभवम माने आप साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र है। मैं कौन हूं? मैं तो पराशर, पराशर माने तो एक पराशर का पुत्र है, पराशर किसी से आया और ऊपर से सुनक है, और इस प्रकार से देखते तो सबसे पहले कौन है? ब्रह्मा जी, और उस ब्रह्मा जी का साक्षात पुत्र हो आप। मैं तो बीच में आया हूँ, मैं बाद में आया हूँ, मैं तो बाद में आया ना, तो मैं एक पराशर का पुत्र, लेकिन आप साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र हो, और मेरे में और आप में बहुत अंतर है। ऐसा ही रहता है, चलिए, गुरु का और शिष्य का, तो शिष्य कभी भी अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। जिस समय गुरु अपने आप को, शिष्य अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ है करके जिस दिन समझेंगे, तब से गुरु और शिष्य का रिश्ता खत्म। और पानी कैसा फ्लो होता है? ऊपर से नीचे फ्लो होता है ना, जब मैंने ऊपर से नीचे मैंने ऐसा ही ज्ञान भी कहां से फ्लो होता है? ऊपर से नीचे। जब तक आप गुरु को सम्मान देकर मैं गुरु से मैं अदम हूं, मैं नीचे हूं और वो श्रेष्ठ है, जब तक वो भावना रहेगा तब तक उनसे आपकी तरफ ज्ञान बहती रहती है। नहीं तो जिस दिन आप अपने आप को सोचे हैं कि आप गुरु का सम्मान नहीं तो उनसे श्रेष्ठ है, फिनिश। तो अरे भक्ति की पहले में तो हम तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा था, अभी तो क्या हो गया? अभी ये हो गया कि आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी है, भक्त है करके समझने लगा। तब तो क्या होता है, तब ज्ञान फ्लो नहीं होता है अभी।
कुछ सुनने के लिए इच्छा नहीं होता है। ये अहंकार जो है ना, ये सबको बंद कर देती है, और उससे क्या होता है, तभी आपको किसी का कोई भी तो प्रसन्न नहीं होता है, माने किसी का बात सुनने में मन नहीं होता है। तो इसीलिए समस्त शास्त्रों का रचना के, मैंने चार वेदों को विभाजन करना क्या मजाक है क्या, और महाभारत का रचना करना और उसके ऊपर उपनिषदों को सबको अध्ययन करके उसको छोटा छोटा सूत्र बनाना, इतना महान विद्वान है व्यास जी, और वो क्या कह रहे हैं अभी, तो मैं अपना अप्रसन्नता का कारण नहीं जानता हूँ, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, आप साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र हैं, और आप बोलिए मेरा चित्त की अप्रसन्नता का कारण। तो इस प्रकार जब शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नो, उस समय भी अर्जुन भी, उस दिन हम लोग डिस्कस किए हैं, उस समय भी जब अर्जुन ने पूरा शरणागत हो गए, उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ बोले है ना, क्या बोले हो तो अपने आप को, तो धर्मशास्त्र का प्रवीण समझ के, विद्वान समझ के, धर्मशास्त्र की एकदम एक के ऊपर एक युक्तियों को डाल रहे हैं, तब लोग भगवान क्या बोले लास्ट में, भूल गए सब, वेरी गुड क्या बोले, कोई एक लोग आंसर दीजिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाँ अशोचानन्वशोचिस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से, तो क्यों कह रहे हैं एक्चुअली, भगवान क्या दिखाए अभी, रास्ता क्या दिखे है, नहीं अर्जुन ने अपना युक्ति सभी कहां से लेके आ रहे हैं, धर्मशास्त्रों से ले आ रहे हैं, लेकिन भगवान क्या बोले हैं, हाँ धर्मशास्त्र से भी श्रेष्ठ कौन है, अरे सब भूल जा रहे आप लोग ज्ञान शास्त्र श्रेष्ठ है बोले या नहीं, धर्म से भी श्रेष्ठ ज्ञान है, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ भक्ति है, भक्ति शास्त्र, ये ना ये तो क्रम चलता है एक्चुअली, दूसरा अध्याय में ही चलता है। तो इसीलिए भगवान उधर क्या एस्टैब्लिश किए हैं, अर्जुन क्या समझ रहे हैं आप, केवल आप अपना सो धर्म धर्म करके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन उस धर्म से भी ऊपर क्या है ज्ञान, उस धर्म को यदि फलापेक्ष ना रखकर जब करेंगे धर्म को, तो क्या होगा उससे, निष्काम बुद्धि से धर्म का अनुसरण करने से क्या होगा, ज्ञान, माने मैं कौन हूं करके जान पाएंगे व्यक्ति, अंतकरण की शुद्धि होगा, जब निष्काम भाव से कर्म की अवलंबन करने से क्या होता है, अंतकरण की शुद्धि होता है, अंतकरण की शुद्धि होकर तब क्या होगा, शुद्ध अंतकरण में अपने आप को देख सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। तो मैं क्या समझेंगे तब अपने आप को, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इस प्रकार की ज्ञान बोध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार तो वो प्रसंग चला, चलो इधर आ जाइए। तो अभी नारद मुनि कह रहे हैं, तो नारद मुनि से कह रहे हैं व्यास जी, तो आप तो इतना श्रेष्ठ हैं, तो मेरा रीजन, मेरा चित्त की प्रसन्नता के कारण तो मैं जान नहीं पा रहा हूं, आप खुद कह दीजिए। और इसके ऊपर सवै भवान वेदा समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजति अवच्चि गुणैरसंगः। तो ये भी कह रहा है आप साधारण नहीं है, साक्षात भगवान का, माने वो कौन भगवान, समस्त सृष्टि करने वाले हैं, विश्वं सृजति अवति अत्ति, सो अवति माने पालन करना, अति माने विनाश करना, माने पूरा सृष्टि को पालन और सो नाश करने वाला, और उसका सृष्टि करने वाला, उसका पालन करने वाला, नाश करने वाला जो भगवान है, उनका उपासना किए हैं आप। मैं किसका उपासना किया हूं, मैं ब्रह्म की उपासना किया, लेकिन आप भगवान की उपासना किए हैं, और वो भगवान की उपासना किए हैं आप, इसीलिए आप हमसे श्रेष्ठ हैं। तुम पर्यटन अर्कवा त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवा आत्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैहि सनात स्नातस्य मे नूनं मूलं विचक्षवा। और भी ये भी कह रहे हैं आप सूर्य की जैसा समस्त लोकों में तो भ्रमण करते रहते हैं, और जैसा सूर्य समस्त लोकों को ज्ञान प्रदर्शन करते हैं, ऐसा ही आप समस्त लोकों में पर्यटन करके सो सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, और वायु जैसा अंदर प्रवेश होती है और सब कुछ वायु को प्रवेश है ना अंदर, तो वैसा आप सबके हृदय में अंदर जो चल रहा है वो जानते हैं, तो इसीलिए आप मेरा चित्त की अप्रसन्नता का रीजन क्या है बोलिए, आप सब कुछ जानने वाला है। तो इस प्रकार माने गुरु की प्रति शिष्य का भाव इसी प्रकार रहना चाहिए। तो गुरु
सब कुछ जानने वाले हैं, गुरु को जैसा भगवान जैसा हम लोगों सो स्वीकार करके सो भगवान की जैसा उपासना करना चाहिए, तभी जाकर आपको तो उस गुरु की वैसा भाव रहेगा, तब आप में विनम्रता रहेगी, तभी जाकर आपको ज्ञान प्रवाहित होगा। और गुरु से जो भी ज्ञान मिलेगा तो वही सही रहता है, लेकिन ना अपना मनमानी, मन कपोल कल्पित नहीं करना चाहिए। तो लेकिन गुरु की फेमिलियरिटी बढ़ने से क्या होते हैं, गुरु से तो ऑटोमेटिकली तो हम अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ समझने लगेंगे, तब तो उधर से ज्ञान प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार तो ना व्यास जी प्रश्न पूछे हैं, तो प्रश्न पूछकर मैत्र तो आप जो जैसा कह रहे हैं ब्रह्म में हम सो ब्रह्म को अनुभव किए हैं और वेदों को भी हम अच्छे से अध्ययन किए हैं, स्वाध्याय किए हैं, लेकिन फिर भी हमको ये चित्त की अप्रसन्नता का रीजन नहीं पता है। तब नारद मुनि कहना शुरू कर दिया, तो क्या कह रहे हैं, इधर से हम लोगों को तो भक्ति की महिमा कहा जा रहा है। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनम किलम। तो नारद मुनि कह रहे हैं अभी इसका उत्तर, तो व्यास आपके द्वारा सब कुछ तो किया गया, लेकिन आप एक चीज नहीं कहे, क्या है, भगवतः यशः, भगवान की जो यश है उसको आप सो कहे नहीं, उसके बारे में आप अपना जो भी ग्रंथों हैं उसमें नहीं लिखे हैं। इधर यश माने क्या है, भगवान की यश माने इधर भगवान की अनेक स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों का मूल स्वरूप कौन है, तो कृष्ण भगवान है। उस कृष्ण भगवान की सो महिमा को आप गुणगान नहीं किए हैं, और इसकी अतिरिक्त और भी उस भगवान कृष्ण का लीलाओं के बारे में और उस भगवान के प्रति भक्ति के बारे में आप नहीं कहे हैं, तो यही आपका चित्त की अप्रसन्नता का कारण है। तब इसका सुनते ही व्यास जी कह दिए, ऐसा कैसे कहेंगे गुरुदेव, मैं तो ब्रह्म की मीमांसा किया हूं, वेदांत दर्शन का भी मैं माने वेदांत का दर्शन माने छह दर्शन है उसमें वेदांत एक है, वेदांत को भी मैं रचना किया हूं, वेदांत सूत्रों का रचना किया हूं मैं, तो फिर भी आप कैसा कहेंगे, तो मैं भगवान के बारे में भगवान की श्रेष्ठता के बारे में नहीं कहा करके। तब नारद जी कह रहे हैं, तो ठीक है आप तो वेदांत सूत्रों का रचना किए हैं, अल्टीमेटली वेदांत सूत्रों का भी मूल उद्देश्य क्या है, भगवान को ही प्रतिपादन करना है, और वेदांत सूत्रों का मुख्य उद्देश्य भी भक्ति को ही प्रतिपादन करना है, तो इसीलिए वेदांत सूत्रों का ही नेचुरल कमेंट्री कौन है, भागवत, तो इसलिए वेदांत सूत्र और भागवत तो वेदांत सूत्र भक्ति से अलग नहीं है, उसमें भी भक्ति है। उस दृष्टि से व्यास जी कह रहे हैं कि मैं भी तो भगवान के बारे में कह दिया वेदांत सूत्रों के द्वारा, तो कैसा बोलेंगे आप मैं भगवान के बारे में नहीं कहा। तब इसको सुनने के बाद नारद जी कह रहे हैं, आप तो वेदांत सूत्रों को रचना किए हैं, तद दर्शनम दर्शन शास्त्रम अपि किलम न्यूनम एव मन्ये, लेकिन मैं मानता हूँ व्यास जी, तो मैं मानता हूँ कि ये जो वेदांत सूत्रों को रचना किए हैं, भले उसमें भी आप बोल सकते हैं कि भगवान का अंतिम लक्ष्य, उसका भी अंतिम लक्ष्य भगवान और भगवान की भक्ति है, लेकिन फिर भी मैं वो सफिशियंट नहीं मानता हूँ। क्यों सफिशियंट नहीं मानता हूँ, वेदांत सूत्रों की रचना भले आप किए हैं, लेकिन व्यास जी नारद जी क्या कह रहे हैं, इसको मैं सफिशियंट करके नहीं मान रहा हूं, माने समाज को इतना देने से तो नहीं होता है, माने अल्टीमेटली माने भलाई नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या है। तो व्यास जी पूछ रहे हैं ऐसा कारण क्या हो, तब नारद जी कह रहे हैं,
तो देखो आप ही एक एग्जाम्पल है, तो आप खुद वेदांत सूत्रों का रचना किए हैं, तो वेदांत सूत्रों को रचना करने के बाद आपका चित्त की प्रसन्नता नहीं हुआ, माने इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वेदांत सूत्रों की रचना करने से समाज का भी चित्त की प्रसन्नता नहीं होता है, उसका अध्ययन करने से भी किसी का चित्त की प्रसन्नता नहीं होता है। उदाहरण आप ही हैं, तो इसीलिए आप ही प्रमाण है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वेदांत सूत्रों से समाज का पूरा भलाई हुआ। तो क्या करना है तब? तब आगे माने नारद जी का कहने की तात्पर्य क्या है? भगवान की महिमा और भगवान की भक्ति और गुण लीलाओं के बारे में वर्णन करना, तब भी व्यास जी छोड़े नहीं, ठीक है मेरा वेदांत सूत्रों को आप स्वीकार नहीं कर रहा हूं, कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ऐसा कैसे कहेंगे गुरुदेव मैं तो पद्म पुराण में, बाकी पुराण तो हैं, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है और गरुड़ पुराण है, इत्यादि पुराणों में भगवान की भक्ति के बारे में कहा गया या नहीं, भगवान के यश के बारे में कहा गया या नहीं, उसमें तो कह दिया गया। तो इसीलिए ना व्याजिकार है, गुरुदेव मैं तो बाकी पुराणों में भगवान के बारे में बोल ही दिया, बोले या नहीं? तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखेंगे तो कृष्ण की लीलाओं के बारे में आता है, उसमें पद्म पुराण में भी भगवान की विष्णु का लीला आता है, विष्णु पुराण में भी नरसिंह लीला इत्यादि सब कुछ तो है, ये तो मैं किया, इन सब में मैं तो वर्णन किया ऑलरेडी भक्ति के बारे में, भगवान की यश के बारे में, फिर भी मेरा चित्त की अप्रसन्नता क्यों है? तो ये तो प्रश्न बहुत बढ़िया पूछे हैं, है ना? तो व्यास जी बहुत अच्छा पूछे हैं। तब उसका उत्तर क्या है? तब नारद मुनि कह रहे हैं इसके उत्तर, इसका बोल रहे हैं, देखो व्यास जी धर्मादयोपि वासुदेव महिमतः अति निकृष्टाः अपि यथा अर्थाः अनुकीर्तिताः पुरुषार्थत्वेन उक्ताः तथा वासुदेवस्य महिमा न वर्णितः। मेन प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आ रहा है या नहीं? आपका मेन प्रॉब्लम ये है, माने जैसे डॉक्टर जैसे एनालाइज कर रहा है एक्चुअली नारद मुनि, पूरा जो भी किए हैं व्यास जी उसका पूरा सभी शास्त्रों को एनालाइज करके बोल रहे, तो क्योंकि व्यास जी को तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है एक्चुअली, मैं तो सब कुछ कर दिया लग रहा है, लेकिन उन्होंने क्या मिस किया वो जानना चाहिए, जो हम लोगों भी जानेंगे तो हमको भी भागवत के प्रति उतना ही श्रद्धा उत्पन्न होगा। इसका उद्देश्य ये प्रसंग हम लोग इसीलिए लिए हैं कि तो हम लोगों अभी जैसा मैंने नारद जैसे व्यास जी सोच रहे वैसा हम लोग भी सोचते हैं, तो इसीलिए तो मेन पॉइंट ये कह रहे हैं नारद जी, आप महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं आप, उसमें तो कोई दोहराई नहीं, भले वो सभी भक्ति से निकृष्ट है, तो हम लोगों का पुरुषार्थ कितना है? पांच है, सब पांच है, चार नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति पांच पुरुषार्थ है, लेकिन समाज में चार ही चलता रहता है, इसीलिए भक्ति लुप्त होते जा रहे हैं। तो सेम तो नारद मुनि भी यही कह रहे हैं, ये चार पुरुषार्थ भक्ति से नीच हैं। धर्म माने क्या है? अपना शरीर के अनुसार कोई ना कोई काम धंधा करना, उसके बाद काम धंधा करने से क्या आएगा? कौड़ी आएगा, कौड़ी, कौड़ी जानते हैं नहीं? बंगाल में कौड़ी मैया रहती हैं, ये बनारस में कौड़ी माता है ना, कौड़ी माता रहती है, साउथ इंडियन सब लोग उसी मंदिर जाते हैं क्योंकि उधर कौड़ी मिल जाएगा करके, कौड़ी माता, उन लोगों को लालची ज्यादा है तो ठीक है, तो कौड़ी मिल जाएगा उससे, उसके बाद उससे क्या करेंगे? तो काम, काम माने इंद्रिय पदार्थों को भोगना, उसको आस्वादन करेंगे और उससे क्या होगा? इंद्रिय संतुष्ट होगा, उससे क्या करेंगे? और भी ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा भोगेंगे
मजा आएगा और भी इंद्रिय तृप्त हो जाएगा और ऐसा इसमें चलते रहेंगे। ये सभी तीनों को करने के लिए वेद एक सिस्टम दिए हैं। मनमानी धर्म नहीं कर सकते हैं, मनमानी तरीका से कमाई नहीं कर सकते हैं, मनमानी तरीका से एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। इन सबको तीनों को रेगुलेट करते हुए शास्त्र उपदेश किया। तो ठीक है, तो लेकिन और भी इसके ऊपर बोले हैं, ये तीनों भौतिक सुख देते हैं, इससे ऊपर जाओ तो मोक्ष है करके कहा। ये चार पुरुषार्थों को आप बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं, उसके बाद मोक्ष है। मोक्ष से क्या मिलेगा? इंद्रिय सुख से ऊपर जाकर तो क्या है, तो ब्रह्मानंद मिलेगा। और उस ब्रह्मानंद से भी परे क्या है? भगवद आनंद, भगवान की लीलाओं की, भगवान की सो आस्वादन करना, भगवान के दिव्य स्वरूप को, गुणों को, लीलाओं को आस्वादन करना, ये सबसे ऊपर है। ये पंचम पुरुषार्थ कहते हैं भक्ति। ये चार पुरुषार्थों का बहुत बड़ा से वर्णन किए हैं, बार बार वर्णन किए महाभारत में। सो ब्राह्मणों को ये काम करना है, क्षत्रियों को ये काम करना है, वैश्यों को ये काम करना है, और शूद्रों को, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, गुरु को, शिष्य को, सबको, मैंने सबके बारे में, राजा को, क्षत्रिय, सबके बारे में ड्यूटीज क्या करना है, सबका धर्म क्या है, कैसा क्या माना है, और उसके बाद कैसा इस समाज में सुखी रहना है, ये सब कुछ विस्तृत रूप से महाभारत में बार बार वर्णन किया। आप कोई डाउट नहीं उसमें। इतना ही नहीं है, आप और एक अच्छा काम भी किए हैं। आप और एक काम क्या किए हैं महाभारत में? मोक्ष की वर्णन भी बहुत अच्छा किए हैं। और उसके साथ साथ आप महाभारत में भक्ति का भी वर्णन किए हैं। लेकिन क्या है, एक समस्या करके बैठे आप, क्या है पता है? आप जब भी भक्ति का वर्णन किए करते तो उस भक्ति को आप क्या बोले हैं, ये जो मोक्ष है, ये मोक्ष के लिए ये भक्ति साधन है, भक्ति मोक्ष के लिए एक साधन है करके भक्ति को मोक्ष का साधन बना के वर्णन किए हैं। लेकिन एक्चुअली भक्ति क्या है? मोक्ष से परे है, ऊपर है, ये बात नहीं बोले आप महाभारत में, ये बात आप नहीं बोले हैं। तो ये कमी कर दी आप। अतः आदरणीयस्य वस्तुनः, सबसे आदरणीय माने भक्ति महारानी को नौकर बना दिया। किसका नौकर बना दिया आप? मोक्ष का नौकर बना दिए आप। भक्ति महारानी सबका महारानी है, वो तो क्वीन है, वो तो सबका ऊपर है वो, और उनका स्थान सबसे ऊंचा है, और उनका स्थान ले जाके आप नीचे कर दिए आप। और जो नीचे है कौन है? धर्म अर्थ काम, ये तीनों पुरुषार्थ सबसे नीचे है, और उनको बार बार एक्सप्लेन किए हैं। माने जो कम महत्व वाले हैं उसको इतना ग्लोरीफाई करके बैठे हैं, और जिसको स्थान देना चाहिए, ग्लोरीफाई करना है, उसको आप एक नीचे कर दिए। तो इसीलिए अति आदरणीय वस्तु जो है भक्ति, उसको जैसा आदर भाव देना है वैसा नहीं दिया, ये कारण है आपका चित्त की अप्रसन्नता का। तो क्या ऐसा जिसका स्थान देना, जैसे स्थान देना वैसा नहीं देंगे तो दुखी नहीं होते हैं आप? दुखी हो जाएंगे। जैसे आपके घर में तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आए, लेकिन तो बहुत बड़ा महान साधु है, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति समझ के नीचे बैठा दिया, और जो भी साधारण व्यक्ति उनको ऊपर बैठा दिया, तो क्या होता है? तो बाद में तो मैंने आपके हृदय में वो साधु का महिमा आपको ठीक से नहीं पता है, लेकिन बल्कि किए हैं, लेकिन आप, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होता रहता है। तो इसीलिए ये कमी महसूस माने अत्याधरणीय भक्ति को नीचे करके आप दिखाने से आप दिखा दिए हैं, इसीलिए आपका चित्त अप्रसन्न है। और जो आदरणीय नहीं है उसको ऊपर बिठाए हैं, ये भी कारण है। अच्छा गुरुदेव, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर भी अभी नारद मुनि को नहीं छोड़े हैं व्यास जी, क्योंकि अपना पॉइंट रख रहे हैं। चलिए तो आपको पता है, तो मैं पुराणों में ऐसा एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया पता है आपको? मुक्तैः हि प्राप्त्या हरेर भक्तेर मथुरायां च लभ्यते। मुक्तैः हि प्राप्त्या हरेः भक्तिः, क्या कह रहे? तो व्यास जी कह रहे हैं, भैया देखिए गुरुदेव,
मैं ऐसा भी लिखा हूं, मैं पुराणों में और महाभारत में भी लिखा हूं। क्या लिखा हूं मैं? मुक्ति से मुक्ति प्राप्त किए हैं ऐसा व्यक्ति जन भी हरि की भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैंने मैं भक्ति को ऊपर दिखाया, मुक्त जन भी भक्ति को पाना चाहते हैं करके मैं दिखाया, और वो भक्ति कहां मिलेगा? मथुरा में मिलेगा, ये भी मैं लिखा। यही नहीं है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ये कहां का है? भगवद गीता कहां का है? भगवद गीता कहां है? भगवद गीता किसका अंतर्भूत है? महाभारत। महाभारत में क्या लिखे है? व्यास जी का पॉइंट है, व्यास जी स्ट्रांग पॉइंट रख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? न सोचति न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इसका अर्थ क्या है बोलिए आप लोग कोई। समाज सर्व से भूतेषु और सभी जीवात्माओं के प्रति समभाव रखता है और ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति लाभ करता है। वो सही आते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, इसका अर्थ है जो भी ब्रह्म में सो चित्त समर्पित है जिसका, और उसका मन प्रसन्न रहता है और समस्त भूतों के प्रति समभाव रखते हैं, और इसके साथ साथ वो व्यक्ति उसके ऊपर जाकर क्या है? भक्ति को प्राप्त करते हैं। माने मोक्ष प्राप्त किया व्यक्ति और भी ऊपर जाके भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो माने क्या है? भगवद गीता में क्या कहे हैं व्यास जी? मोक्ष से भी ऊपर क्या है? भक्ति। माने जो मोक्ष में है, जो मोक्ष को प्राप्त कर ले, जीवन मुक्त हो गए, ऐसा जीवन मुक्त लोगों भी और भी क्या प्राप्त करते हैं? भक्ति। माने इसका अर्थ क्या है? भक्ति श्रेष्ठ है या नहीं? जो भी को आप किसी को प्रयास कर रहे हैं, मैंने वो ऑलरेडी जो है उससे भी संतुष्ट है और आगे बढ़ रहे हैं मैंने, तो उसके अर्थ जो भी आगे वाला चीज है वो इससे श्रेष्ठ है या नहीं? तो माने भगवद गीता में व्यास जी कह रहे हैं मैं ऑलरेडी भक्ति श्रेष्ठ है मोक्ष से भी करके मैं एस्टैब्लिश किया, आप कैसा कहेंगे मुझे भक्ति को श्रेष्ठ है करके निरूपण नहीं किया करके? है ना, पॉइंट है या नहीं व्यास जी का? तो क्यों, तब क्यों चित्त की? पहले नारद मुनि क्या कहे? आप तो भक्ति को नीचे कर दिया करके बोले, लेकिन कहीं कहीं मैं भक्ति को ऊपर भी कर दिया। व्यास जी का पॉइंट ये है, मैं भक्ति को एस्टैब्लिश किया मोक्ष से ऊपर है करके। भगवद गीता में है, माने वो महाभारत में है इसके अर्थ, क्योंकि भगवद गीता शांति पर्व का पाठ है, सॉरी भीष्म पर्व का पाठ है। तो भीष्म पर्व तो महाभारत का पाठ है, तो इसीलिए महाभारत में मैं तो एस्टैब्लिश कर दिया भक्ति श्रेष्ठ है मोक्ष से करके, आप कैसा कहेंगे हमको तो भक्ति को श्रेष्ठ है करके नहीं दिखाया, मोक्ष से श्रेष्ठ है करके नहीं दिखाया। तो तब नारद जी कह रहे हैं थोड़ा सा शांत रहो, तो आपका पॉइंट सही है, लेकिन मेन और एक पॉइंट है, अनुपौनः पुण्येन न वर्णितः। क्या है मेन पॉइंट, क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट आप तो टच किए हैं व्यास जी, लेकिन पौनः पुण्येन माने बार बार टच करना चाहिए, पॉइंट बार बार इसी को बोलना चाहिए आपको, ये बार बार बोलना है, नहीं बोले आप तो यदा कदा एक दो बार तो बोल दिए हैं, लेकिन आप बार बार महाभारत में धर्म का ही स्थान ऊंचा करके दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो बार आप तो भक्ति को श्रेष्ठ बोले हैं, लेकिन बार बार नहीं कहे। आनंदमयोभ्यासात, माने जो बार बार रिपीट किया जाता है उसी को ही उस पूरा प्रसंग का सार है करके माना जाता है। तो लेकिन आप अपना किताबों में भक्ति को ऊपर है करके बार बार एस्टैब्लिश नहीं किए हैं, इसी के कारण भक्ति सबका सार है करके, सबका तात्पर्य है करके निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं अभी। तो ये समस्या किए हैं आप। माने अभी अल्टीमेटली क्या हो गया, अभी आप लोग क्या समझना चाहिए? अतः भगवन महिमनी एव फलत्वेन उत्कर्षे पौनः पुण्येन स्पष्टतया यदा वर्णयसि तदैव ते चित्त प्रसादो भावी इति भावः। इससे हम लोगों को क्या समझना चाहिए?
तो नारद जी कहने की तात्पर्य क्या है, मैंने व्यास जी का चित्त क्या प्रसन्नता का सॉल्यूशन क्या बोले हैं अभी, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया अभी, इसका सॉल्यूशन ये है कि भक्ति की श्रेष्ठता को बार बार बोलना चाहिए। भक्ति की श्रेष्ठता को बार बार बोलेंगे तब जाकर आपका हृदय प्रसन्न होगा। ये नहीं किए हैं आप, इस प्रकार आप नहीं किए हैं, अभी ये काम करेंगे तो तब होगा। तो इसलिए भागवत में क्या होगा, हर प्रसंग में जो भी है नारद ने तो सूत गोस्वामी सौनक ऋषियों का बैठक होता है, पहले 6 प्रश्न पूछते हैं, उसमें भी भक्ति एस्टैब्लिश होगा। उसके बाद आगे जाएंगे तो नारद और व्यास जी के संवाद, इसमें भी भक्ति एस्टैब्लिश होगा। और इसमें भी आगे जाएंगे तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का जो भी है वार्तालाप, इसमें भी भक्ति का। और उसके बाद विदुर और मैत्रेय का, और उसके बाद सो जो भी ब्रह्मा और सो नारद मुनि का, जहाँ भी देखेंगे हर संवाद में, हर एपिसोड में, हर कदम कदम पर क्या एस्टैब्लिश होता है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, ये एस्टैब्लिश होता है। तो क्योंकि भक्ति का स्थान सर्वोपरि है, तो सर्वोपरि स्थान जब देंगे तब आपका चित्त प्रसन्न होगा, नहीं तो। इसीलिए आपका चित्त प्रसन्न नहीं है कि आप बार बार इसको वर्णन नहीं किए श्रेष्ठ है करके, एक दो बार तो किए हैं। तो और भी व्यास जी कह, नारद मुनि कह रहे हैं, कितना भी बहुत बड़ा अच्छा से आप तो कोई भी रचना करेंगे, कोई भी महान विद्वान लोग रहते हैं, कवि जन रहते हैं, कवि कवि लोग रहते हैं, कवि लोगों बहुत अच्छा से वर्णन करते हैं। तो मैंने अलंकार युक्त से जब कोई भी एक सीन लेते हैं, एक सायंकाल समय में ऐसा गांव में पूरा हरा भरा खेत हैं, और उधर पहाड़ हैं, और उधर नदी बह रहे हैं, और उसको वर्णन करने के लिए बोलेंगे तो वो इतना सुंदर पदों से सो एकदम सुशोभित अक्षरों माने पदों का अलंकारों का युक्त रहकर वर्णन कविता को बहुत अच्छे से लिखेंगे। कितना भी बढ़िया कविता है लेकिन उस कविता में भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहेगा तो वो क्या है, जुगुप्सितम। सो वो एकदम तो तद्वायसतीर्थम यद् न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत तर्हि चित् तद्वायसतीर्थम शन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु सुक्षयः। तो हे व्यास, जो भी व्यक्ति कितना भी सुंदर से तो कविताओं की रचना करे तो यदि उसमें भगवान की महिमा की वर्णन नहीं रहेगा तो वो क्या है, वो कौओं का स्थान है, वो कौओं की स्थान है। जैसा कौओं की स्थान, कौओं किस प्रकार की स्थान को पसंद करते हैं, गंदगी। माने जब भी हम लोग देखते हैं गांव में भी कोई भी फंक्शन होता है तो उस समय पर फंक्शन होने के बाद सभी जो भी पत्तल हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है चित्रान्न, माने अलग अलग, माने कोई कुछ स्वीट छोड़ देते हैं, कोई चटनी छोड़ देते हैं, कोई ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो सब कुछ ले जाके एक जगह फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद एक दो दिन सड़ता है, उसके बाद सभी कौवे आते हैं रोज, तो आके क्या करते हैं, सब लोगों अच्छे से वो जो दुर्गंध बुइष्ट हो गया माने गंध माने बहुत सड़ गया उस चीजों को कौवा, नहीं तो जब भी कोई भी जानवर मर गया तो गांव के बाहर फेंक देते हैं। और जब सड़ने के बाद उसको कौओं काट के माने उसको निकाल के चुंच से तो अपना क्या चोंच 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 से उन्होंने निकाल निकाल के खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, कौओं का बहुत आनंद आते हैं उसमें। लेकिन उधर हंस नहीं जाता है, हंस माने जो शुद्ध जल में रहती हैं, जहाँ कमल रहता है, सुगंध रहता है, उधर ही हंस रहता है। तो कौओं के लिए वायस तीर्थम माने कौओं का स्थान है, कौओं कौन सा स्थान पसंद करते हैं, ऐसा गंदगी का स्थान को। तो वैसा ही कोई भी कविता सुंदर पदों से लिखा हुआ है लेकिन उसमें भगवान की हरि का ऐश नहीं है तो वो क्या है, वो कौओं का स्थल है। वो केवल जो कामी पुरुष हैं इस प्रकृति को अनुभव करना चाहते हैं, प्रकृति से आनंद उठाना चाहते हैं, ऐसा लोगों ही उसको पसंद करते हैं। जो भगवान की महिमा को पसंद करने वाला जो भक्त है वैसा लोगों ऐसा कविताओं को पसंद नहीं करते हैं, भक्तों के लिए कविता पसंद नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, बार बार हरि का यश के बारे में गुणगान करो। हरि का यश क्या है, जगत पवित्र यति, माने
जगत पवित्र माने पूरा जगत को पवित्र कर देती है हरि नाम, हरि का यश, हरि का जो भी है नाम, हरि का गुण, हरि का लीला, सो हरि का कथा समस्त जगत को पवित्र कर देती है। लेकिन आप उस हरि का यश को रहित रखकर धर्मों का वर्णन करेंगे, कितना भी वर्णन करेंगे, उस धर्म से क्या होगा, किसी का भी भलाई नहीं होता है। तो महाभारत का अध्ययन यदि आप बिना भक्ति की आंखों से अध्ययन करेंगे तो केवल धर्म धर्म करके उसी धर्म के लिए हम लोगों प्रयास करेंगे तो उससे हम लोगों का अल्टीमेट आनंद नहीं मिलता है। चले अल्टीमेट आनंद नहीं मिलेगा हम लोगों को, असली आनंद तभी मिलेगा जब हरि का यश को सुनेंगे, हरि का गुणों को बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में सुनेंगे, तभी जाकर तो उससे क्या होगा, पूरा जगत पवित्र हो जाती है और तो खुद का भी माने खुद भी पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए तो व्यास जी आप अभी अपना ग्रंथ को ऐसा बना दीजिए जिसमें हरि का यश बार बार तो वर्णन सो किया गया और सर्व उत्तम स्थान उसका दिया गया, दिया जाएगा। तो इस प्रकार करो, ऐसा करके बोले हैं। तो अभी एक प्रश्न आ रहा है इधर, आप लोगों से हमको भी पूछना है। न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, माने जो भी वच है, वच माने वचन, जो भी वचन है हरि का यश नहीं है उसमें, तब तो वो जगत माने वो वायस तीर्थम है, माने वो ऐसा वचन क्या है, वो कव्वों का स्थान है, ऐसा वचन कव्वों की स्थान है, दुर्गंध भूष्ट है। लेकिन अभी भागवत में हम लोगों को ऐसा कहीं सेक्शन आता है, ना भागो न भागापत्यम यततम भ्रातरः कविम यविष्टम व्यभजन दायम, माने नौमा स्कंद में कई राजाओं की बारे में कहा जाता है उसमें कोई भक्ति नहीं रहता है, माने कई ऐसा श्लोक आता है उसमें कोई भक्ति का वर्णन नहीं रहता है। तो हम लोग क्या बोले हैं, नारद जी क्या बोले हैं, जो भी वचन है यदि उसमें हरि का यश नहीं रहेगा तो वो क्या है, कवों का स्थान है। तो भागवत में भी ऐसा कुछ श्लोक है या नहीं जिसमें भक्ति के बारे में है ही नहीं, ऐसा तो है। तो नवम स्कंद में भी है, ऐसा कई जगह है, केवल प्रकृति को वर्णन भी करते हैं। भागवत में भी जैसा अभी स्वर्ग के वर्णन होता है, सो हम लोगों सात आठवां अध्याय में भी पढ़ेंगे, तो जब भी इंद्र का जब भी उधर स्वर्ग का वर्णन होता है, और जब भी सभी लोगों चतुर्दश स्कंद में भी वर्णन आता है, आठवां स्कंद में भी गजेंद्र का जब भी होता है उसमें भी जंगल का वर्णन होता है। कई जगह तो हम लोग पढ़ते हैं जहाँ कोई भी भक्ति का उल्लेख नहीं, केवल प्रकृति का वर्णन है। तो तब माने कई वचनों हैं भागवत में भी जहाँ हरि का यश है नहीं, तो भागवत भी कौन का स्थान है क्या, तो बोलिए तब इसका आंसर क्या है। हम लोग क्या बोले हैं, कोई भी वचन हरि से हरि की यश से रहित होते तो वो क्या है, वो कवों का स्थान है, बोले ठीक सही है या नहीं। तो ठीक, तो ऐसा भागवत में भी कई वचन है या नहीं, है या नहीं, तो भागवत भी कवों का स्थान है क्या, तो क्या है तब, इसको कैसे सॉल्व करना है। और कोई कुछ बोल, इधर मेन पॉइंट है हमारा प्रश्न क्या है, कोई भी वचन है वो सो भक्ति से रहित है तो वो कवों की स्थान है, वो दुर्गंध माने वो तो दुर्गंध स्थल है, ऐसा कह रहा हूं मैं। इधर कोई भी वचन
वचन माने हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक एक वर्ष ले रहे हैं, ऐसा वर्ष ले रहे हैं क्या। इधर वचन माने, इधर वचन लेंगे तो अब भागवत भी क्या होगा, कवों का स्थान हो जाएगा। इसीलिए इधर नवचस चित्र पदम, वच माने क्या लेना है, वचन माने क्या लेना है, प्रसंग लेना है, कथा प्रसंग लेना है, एक एपिसोड को लेना है, एक एक एपिसोड को लेना है। क्योंकि देखिए आप लोगों, शास्त्र को जितना अंदर से पढ़ने की आदत रहेगा उतना हम लोगों रिलीज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी बाउंस करेंगे रहे, ये पॉइंट्स अभी बाउंस हो रहा है, माने नींद आ रहा है और कुछ ये हो रहा है, कुछ दिमाग में क्या है यार, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, एकदम पकड़ा दे रहे हैं ये सभी क्या बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है माने। तो हम लोगों को और भी भागवत को अच्छे से सुनना चाहिए, एक एक डिटेल आपको जानकारी होना ही चाहिए, तभी आपका उसका आस्वादन होता है। जैसे कोई भी सब्जी बनाते हैं, आपको उसको सब्जी बनाने की तरीका और उसका आस्वादन करने की तरीका रहता है। चले कुछ लोग ऐसा रहते हैं, उसको कुछ भी रख दीजिए उनको बहुत अच्छे, उनको कोई अंतर नहीं पता चलता है। जैसे कोई भी पनीर सब्जी बनाना है तो इसमें उसमें पहले जैसे टमाटर का जूस बना के, और उसको जूस को क्या करना चाहिए, तेल में डाल के, तड़का में डाल के, उसमें क्या होना चाहिए, वो एकदम अच्छा से पूरा फ्राई होके उससे बबल्स आने तक फ्राई करना है। ऐसा तभी जब पानी माने उसमें तेल छोड़ना है ना, है या नहीं, तो आप लोग बनाते हैं, नहीं बनाते माता लोग तो जानते, तो तेल छोड़ने तक उसको पकाना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से पक गया और उसके बाद आप पानी डालेंगे तो वो तो सब्जी ठीक से बनता है। और जब तक तेल नहीं छोड़ेगा तो उसके पहले पानी डाल दिया तो क्या होगा, पूरा पूरा पानी जैसा लगता है, चलिए पूरा सब्जी से पानी निकल के आते हैं बेकार लगेगा वो, तो पानी एकदम जमेगा नहीं उसके अंदर है, चलिए है ना। तो किसी किसी लोगों को कोई भी सब्जी बनाएगा तो उनको आइडिया नहीं रहता है, बस गाय के जैसा खा लेते हैं बस जिसको बारीक तरीका से आइडिया है, एक एक डिटेल पता है, उसको आस्वादन कहाँ से करना है आइडिया है, तो उसको तो पहचान लेंगे, इसमें तो ऐसे बना दिए, इसमें तो गलत है, चलिए नहीं। तो इसीलिए हमारा मेन पॉइंट है कि तो जैसा हम लोगों को विषयों को आस्वादन करने के लिए जैसा मन बनाया है, वैसा भागवत की हर एक पद को, हर एक अक्षर को और हर एक प्रसंग का अंदर अंदर विषयों को आस्वादन करने की स्वभाव को माने आस्वादन करने की आदत को बनाना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, हृदय उस कहानियों में रमण करते करते उसमें अब्जार होते जाएंगे और आपका चिंतन हर वक्त तो भागवतमय हो जाती है, और भगवान की गुण लीला रूप इत्यादि का और भी पढ़ने की, और भी जानने की, और भी आस्वादन करने की इच्छा होता है, और हर एक चीज को बस एक ब्रह्म की जैसा माने, तो सब कुछ ब्रह्म है वैसे ही, हाँ ठीक है भक्ति है, बस भक्ति को एस्टैब्लिश करना है, क्या है हो गया, तो क्या हो गया बस, अभी भागवत, हाँ ठीक है भागवत मैंने भक्ति के बारे में बोलते हैं, बस हो गया हमको पता है भागवत, ये होता है ऐसा नहीं होता है। ऐसा जब आप वो और हाँ ठीक है नहीं, तब तो लेकिन आपको उसका आस्वादन करने की तरीका पता ही नहीं, इसके अर्थ आप एक समन टोटल में ऐसा बोल के छोड़ देते हैं। तो इसीलिए भागवत को प्रभुपाद जी भी एकदम परपट्स में एक एक कदम को एक्सप्लेन करते दिए हैं। अभी आप अपना अध्ययन को ऐसा बनाना देना चाहिए कि बैठ के शांति से बैठ के एक एक परपट को पढ़कर उसमें डिटेल्स को आस्वादन करना सीखिए आप लोग, और उसके साथ साथ आचार्यों की जो भी हैं इस पर व्याख्या है, और उधर पराशरीय माने आप तो पराशर का पुत्र हैं, आप फिर भी नहीं जान पा रहे हैं क्या, ऐसा बोलना, और उस संबोधन से कितना अर्थ निकाला गया आचार्य, और उसके बाद तो उसमें कहा गया कि व्यास जी उसके प्रत्युत्तर में आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप हमसे भी श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप हमारा गुरु हैं और आप हमको उपदेश करना चाहिए, और ये जो एक एक पदों को आचार्य जैसा एक एक विषय को माने एस्टाब्लिश कर रहे हैं, उसका विवरण कर रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से उसको समझ के अब्जर्व करना चाहिए।
अभी हम लोगों बोलते हैं, बहुत लोगों जानते हैं जो भागवत तो ठीक है, तो भागवत भक्ति के बारे में बोलते हैं, तो भगवान तो व्यास जी भागवत नहीं बनाया इसीलिए उनको चित्त की अप्रसन्नता है। लेकिन आपको कितना पॉइंट इधर आया देखिए, तो व्यास जी तो समस्त शास्त्रों को जानते हैं फिर भी आनंद नहीं है, और उसके बाद ये भी प्रश्न पूछा गया पुराणों में तो भक्ति का वर्णन तो किए हैं तो कैसे बोलेंगे, और उन्होंने भक्ति का वर्णन नहीं किया तो फिर भी उनका अप्रसन्नता क्यों है, तो भक्ति का वर्णन तो किए हैं। भागवत और अन्य पुराणों में क्या अंतर है अभी समझ में आ रहा है अभी हम लोगों को, अब इससे इस प्रसंग से हम लोगों को क्या समझ में आया भागवत और अन्य पुराणों में क्या अंतर है बोलिए, अभी अभी तक जितना सुनिए उससे क्या है, क्या एस्टैब्लिश हुआ, अन्य पुराणों में भक्ति के बारे में है या नहीं है, है या नहीं है, है? है? कैसे बोल रहे हैं आप ऐसे ऐसे है, अन्य पुराणों में भी भक्ति है तो, और क्या डिफरेंस क्या आ गया अभी, अन्य पुराणों में एक बार बोला गया है भागवत में बार बार एस्टैब्लिश, हाँ बार बार हर कथा प्रसंग में एस्टैब्लिश किया गया, और महाभारत में और भागवत में क्या अंतर आया, महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष बारे में बार बार बताया गया है, और भागवत में नहीं बताया गया भक्ति के बारे में। धर्म प्रोजित कैतवोत्तर परमो निर्मत शरणाम सताम, मैंने पहले पहले स्टेटमेंट कर दी व्यास जी, इस बार व्यास जी लिए भागवत लिखने के समय मैं ऐसा प्रतिज्ञा कर रहा हूँ इसमें कोई भी धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कैतव धर्म है उसका वर्णन करूंगा ही नहीं, तो मैंने पूरा की पूरा मैं केवल भगवान की यश के बारे में कहूंगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारा जीवन के लिए अल्टीमेटली समस्त धर्मों का भी उद्देश्य क्या है, जो भी धर्म का पालन करती है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भक्ति में प्रवेश करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा, तो केवल इस समाज में ये शरीर जब तक रहेगा कुछ व्यवहार के लिए धर्म अर्थ काम इसका पालन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये धर्म अर्थ काम भी श्रेष्ठ नहीं है, ये भी जीवन का परम उद्देश्य नहीं है। अभी जब तक अभी घर है गृहस्थी है, घर गृहस्थी जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या, पति पत्नी ये जो भी है आपस में जो भी है भाव और इसका जो भी शेयरिंग करना और एक दूसरे का दुख को बोलना और एक दूसरे को मदद करना यही अल्टीमेट सार है क्या जीवन का, गृहस्थ जीवन का नहीं, ये नहीं। तो पति और पत्नी ये दोनों केवल ये शरीर जब तक है तब तक ये रिलेशन है, और ये घर और ये सब कुछ जो भी है अपना आपस बंधु मित्र ये सभी कब तक है, जब तक तो ये शरीर है, जब ये शरीर नहीं है तो ये शरीर छोड़ दिया तो कौन पत्नी है कौन पति है, कोई कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों का असली रिश्ता क्या है, भगवान की सेवक है ना हम, तो असली रिश्ता भगवान की सेवक है हम लोगों, और वो रिश्ता को हम लोगों स्थापना करना है। केवल जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ही आप ब्राह्मण है, नहीं तो क्षत्रिय है ना वैश्य है शूद्र है। तो इसीलिए ये धर्मों जो भी हम लोगों को कहा गया शास्त्रों में क्यों कहा गया, हम लोगों पशु ना बनने के लिए, यदि ये धर्म हम लोगों को बोला नहीं गया तो आप ब्राह्मण बनो, यदि सत्वगुण में रहे तो आप ब्राह्मण का कार्य करो, रजोगुण में तो क्षत्रिय का काम करो, आप दोनों मैंने कोई भी है स्त्री पुरुषों का आपस में विवाह संबंध रहना चाहिए, ऐसा ही इंद्रियों को संतुष्ट करना है, बिना विवाह इतर संबंध नहीं रखना चाहिए, ये तो शास्त्र ये तो गलत होता है। इससे क्या है, सो जीवन मनुष्य को जानवर से जानवर की तरफ नहीं ले जा रहा है, ये धर्म अर्थ काम क्या कर रहा है मनुष्य को, तो एक मनुष्य बना दे रहा है, चलिए नियम कानून मनुष्य को एक स्तर माने एक जानवर से ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है क्या, यही ऐसा अपना धर्म को अच्छा से निभाना माने बढ़िया से अपना नौकरी करना और पैसा कमाना और पति पत्नी और बच्चों को अच्छे से देखभाल करना यही जीवन का परम लक्ष्य है क्या, नहीं। तो महाभारत में पूरा यही वर्णन किया गया, आप पति होते तो ऐसा सेवा करो, आप पत्नी होते तो ऐसा सेवा करो, और आप ऐसे दोनों आपस में रहिए, और आप समाज में ऐसा रहना चाहिए करके कह दिए, लेकिन ये परम उद्देश्य नहीं है। तो क्या है इससे भी ऊपर, अभी ये परम उद्देश्य नहीं, अल्टीमेटली परम उद्देश्य है जीवात्मा भगवान की सेवक होने के कारण, जीवात्मा भगवान के अंश होने के कारण जीवात्मा अल्टीमेटली उन्हीं की सेवा में नियुक्त होना चाहिए, इस स्थिति को पहुंचना ही जीवन का परम उद्देश्य है, भक्ति माने भगवान की सेवक बनना।
और अल्टीमेटली हम लोगों तो एक स्तर जीवन में एक स्थिति ऐसा आना चाहिए कि ये धर्म माने मेरा पोषक पालन करने वाला न पति है, न पत्नी है, न परिवार है, न मेरा बॉस है, मेरे लिए सब कुछ संभालने वाला मेरा सब कुछ, सो मेरा सब कुछ है, मैं उन्हीं का शरणागत हूँ, मैं कृष्ण का। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासन्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरा जीवन पालन पोषण करने वाला मेरा भगवान है, ना तो मेरा ये जो भी नौकरी देने वाला वो आपका पालन पोषण करने वाला है क्या? नहीं। तो नहीं तो पत्नी अच्छे से खाना बना के खिला रहे वो आपका मेंटेनर है क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली मेरा आप कहाँ शरणागत होना चाहिए? भगवान में शरणागत होना चाहिए। जब ऐसा भगवान में शरणागत हो पाएंगे, और इसीलिए आपको बार बार साधुओं का संगति करके आप ये जो अल्टीमेट जो भी है सूत्र क्या है, भगवान की शरणागत होना ये जीवन का परम लक्ष्य है और उसका वर्णन करना चाहिए। तो व्यास जी आप उसका वर्णन करना चाहिए, उसको बार बार हर कदम हर कथा प्रसंग में इसी को आप वर्णन करना चाहिए, तभी जीवन माने समाज का असली भलाई करने वाला आप होंगे। माने हम लोगों को क्या सीखना है, अल्टीमेटली हमको कोई भी ये समाज में कोई भी व्यक्ति आपका पालन पोषण करने वाला नहीं है, अल्टीमेटली मेरा भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है, भले वो कुछ दे और ना दे, और मैं उन्हीं की शरणागत हूँ और उन्हीं की सेवा करूँगा। ऐसा समस्त माने उपाधियों से बाहर आकर मैं उनका सेवक हो करके पूर्ण रूप से उन्हीं पर आधारित हो जाएंगे, तभी से आपका शुद्ध वैदिक साधना भक्ति शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू होता है। उसके पहले जो भी कर रहे हैं हम लोगों क्या है, कर्म मिश्र भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा पैसा भी चाहिए थोड़ा भक्ति भी करेंगे, तो माने क्या होता है, ये मिश्रित भक्ति है। मैंने तो हमारा बॉस को भी तो प्लीज करना चाहिए, तो नहीं तो वो नौकरी से हटा देंगे, तो पैसा नहीं आएगा तो मैं जीवन नहीं चला पाऊंगा, तो ये क्या होता है। तो माने भगवान क्या सोचते हैं कि पूर्ण रूप से मेरा पर आश्रित है या नहीं। जैसा हम लोगों के कई साधु जैसा षड गोस्वामी है, नौकरी की गिरी छोड़ दी या नहीं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब कुछ, मेरा तो देखभाल करने वाला केवल भगवान है। ऐसा पूर्ण भगवान की शरणागत होने वाला मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतत सिद्धये तथा सिद्धानाम अपि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ऐसा करोड़ों लाखों लोगों में कोई ना कोई एक रहते हैं ऐसा। तो हम लोग अभी तक भक्ति में आया नहीं, हम लोग भक्ति मिश्रित भक्ति कर रहे हैं और ऐसा भक्त बनने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि मेरा सो इतना प्रयास से कोई ना कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए तो मेरा पूरा प्रीचिंग, मेरा जो भी पूरा प्रयास सफल है। तो इसीलिए भागवत में आप क्या सीखेंगे, शुद्ध भक्ति क्या होता है। जैसे नारद मुनि का मम्मी चली गए तो क्या किए वो, तो कोई किसी का बड़ा मालिक के पास जाके कुछ शरीर का गुजारा करने के लिए नौकरी किए क्या, क्या किए आप, तो केवल भगवान की शरणागत हो गए 5 साल का बच्चा। प्रहलाद महाराज क्या किए हैं, तो प्रहलाद महाराज नारद जी की कृपा से भगवान के प्रति भक्ति हो गया। तो पिताजी तो बहुत बड़ा धनवान मालिक है, तो मालिक है या नहीं, तीनों लोगों का मालिक है हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद जी क्या किए, तो क्या भाई इतना बड़ा पिताजी है यार, इनको नकारेंगे तो इतना दौलत तो नहीं आएगा, आराम से इनको हाँ हाँ बोलेंगे, ये पूरा पैसा ले लेंगे और थोड़ा भक्ति भी करेंगे, ऐसा सोचे क्या है। तो पिताजी बोले ए मुझे आप तो अपना जगदीश माने अपना ईश्वर मानो, तब तो मैं आपका अपना वारस बना दूंगा, वारिस बना दूंगा बोले। तो लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कभी भी उसको स्वीकार किए हैं, नो आपका क्या, आप कौन सा भगवान है, हटाओ आप ईश्वर नहीं है, ईश्वर केवल विष्णु है, केवल मेरा भगवान है। तो ऐ मारूंगा मैं आपको हाथियों से पिसा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं उस कदम से एक भी कदम मैंने थोड़ा सा भी हिलूंगा नहीं, मेरा भगवान विष्णु है, मेरा ईश्वर विष्णु है, मैं सब कुछ मैं उन्हीं के लिए हूँ, मैं उन्हीं के ही दास हूँ। इस दास भाव से कभी भी किसी मुश्किल से किसी भी सो दर्द से मैंने किसी ने किसी मैंने पेन से हटे हैं क्या, छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा
अपना पिताजी मारने के लिए तैयार हैं, मरवा भी कई प्रयास भी किए हैं, कभी हिले क्या, वो डाउन हुआ है क्या उस भौतिक दुखों को देखकर? कभी नहीं हुआ। तो माने भागवत में हर कथा प्रसंग में क्या सुनते हैं आप, तो भक्ति ही श्रेष्ठ है और सब भगवान की शरणागत होना ही। तो क्या भगवान की पूर्ण शरणागत होते तो आपको दो कौड़ी माने देकर अपना शरीर का पालन पोषण नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, योगक्षेमम भाम्यहम। लेकिन इस वाक्य पर कितना श्रद्धा है हम लोगों को, फिर भी हम लोग बोलते हैं योगक्षेम करेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु तो कुछ तो ये तो चाहिए ना, कुछ तो ये तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना माने। तो इसीलिए अनन्य भक्त बनना मजाक तमाशा नहीं है। चले आजकल ब्रह्मचारी भी क्या सोचते हैं, अरे मेरा सेंटर एक तो चाहिए, मैं तो उसका प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मेरा बुढ़ापापन उससे गुजरेगा क्या यार? तो किसके लिए आप आए, लाल कपड़ा क्यों पहने एक्चुअली? तो क्या भगवान की शरणागत होना अभी ऐसा? तो ये तो कोई आपको आप कितना स्तर पर हैं बोलने के लिए आवश्यकता नहीं, खुद अपने आपको परामर्श कर लीजिए। आप पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हैं, नहीं तो इस समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर आश्रित हैं, इस समाज में जो भी है जो भी सुविधाएं इस पर व्यवस्थाएं हैं, और नहीं तो कोई भी बड़ा धनवान है उस पर आश्रित है, आप खुद जानना चाहिए। तो ऐसा कैसे जानेंगे, जब भागवत में हर एक कहानी को बारीक तरीका से जब आप अध्ययन करके उसका उसमें जो भी शरणागत भाव है, जैसे कुंती महारानी क्या बोलती हैं चलिए, तो उनका प्रेस देखिए, वो कैसा शरणागत होकर भगवान की प्रार्थना करती है। सो भीष्म देव की प्रार्थना देखिए, नहीं तो परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ दिए। ऐसा नहीं कि अभी मरने वाला हूँ चलो तो कुछ ना कुछ सब लोगों को लगा के ये जो सांप से मैं मरने वाला हूँ सांप को खत्म ही कर दिया जाए और मैं आराम से जीऊंगा ऐसा सोचे क्या, उसके बाद भक्ति करूंगा ऐसा सोचे क्या? हाय हटाओ, मैं केवल मेरा भगवान के प्रति आश्रित हो जाता हूं मैं। तो ध्रुव महाराज तो बोले हैं बस, तो भले उन्होंने कोई भी माने अपेक्षा भौतिक लाभ के लिए आए, लेकिन उन्होंने पूर्ण माने गुरु की वाक्य को सुनकर ऐसा भक्ति किए, उसके बाद क्या हुआ उनका हृदय को कलमश को पूरा दूर हो गया, तो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत हुई। हर एक एपिसोड में क्या देखते हैं, भगवान की प्रति कैसा आश्रित होना चाहिए और पूर्ण शरणागत होके भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। जो भी वो लोग तो राजकार्य जो भी किए हैं केवल वो लोक परंपरा माने लोक की माने एक एग्जाम्पल, यद्यदात्री से श्रेष्ठ तत्व देवे तरो जना सयत प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तति, माने समाज की जस्ट दिखाने के लिए, किसके लिए उसको केवल वो मैं राजा हूं इसलिए मेरा पेट पालन हो रहा है ऐसा भावना है नहीं, मेरा पूरा चलाने वाले भगवान है, लेकिन मैं अभी इस रोल को निभाना है करके बिना श्रद्धा, कर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं उनकी, धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, केवल बाकी लोगों की हृदय में तो ये सब कुछ छोड़ दिए है ऐसा ना लगने के लिए, तो केवल माने परिनिष्ठित कर्म, इसको बोलते हैं परिनिष्ठित कर्म, केवल परिनिष्ठित कर्म किए हैं वो लोग, लेकिन उनका पूरा हर वक्त चेतना क्या है, तो सब कुछ मेरा भगवान ही चलाते हैं। तो ऐसा आश्रय कैसा होना है ये सुनते हैं, तो ये जीवन माने मनुष्य का परम उपदेश यही है। ये ना ये व्यास जी ये क्यों नहीं बोलते आप बार बार, आप क्षत्रिय होते तो ये धर्म करो, वैश्य होते तो ये धर्म करो वो धर्म करो, ये सब क्या है चले, ये तो ठीक है तो समाज चलाने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको क्यों आप बार बार क्यों नहीं कहा? वैसा जिस दिन करेगा उस दिन आपका चित्त प्रसन्न होगा। हर कथा प्रसंग में उसी भक्ति का एस्टैब्लिश करो, अनन्य भक्ति माने शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, कोई कर्म ज्ञान मिश्र से भक्ति नहीं तो धन की अपेक्षा के लिए किया गया भक्ति नहीं, केवल भगवान के लिए। तो बिना कर्म ज्ञान से मिला हुआ सो कर्म ज्ञान से ना मिला हुआ शुद्ध साधना वैदिक भक्ति, शुद्ध भक्ति को तो आप उपदेश करो, और वैसे शुद्ध वैदिक साधना भक्ति से भाव और प्रेम मिल जाएगा, ये करना चाहिए तुमको, ऐसा करके उपदेश किए। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ है एक्चुअली इसमें, तो हम तो आगे कभी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई प्रश्न है तो पूछे, अभी ऑलरेडी समय चले जा रहे हैं।
समझ में आया नारद जी क्या पॉइंट रखे हैं, महाभारत में क्या है, अन्य पुराणों में क्या है और भागवत में क्या है, क्या अंतर है भागवत में और अन्य पुराणों में और महाभारत में। तो ये और आचार्यों की जो भी है ये व्याख्या, उसकी और भी प्रभुपाद की पहले किताब पढ़ना चाहिए, उसके बाद इन व्याख्याओं को भी पढ़ना चाहिए, पढ़ के उसको सूक्ष्म से बारीक तरीका से आप जानेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न प्रभु? यस जी, तो अभी जैसे कि आप बताए कि अन्य चिंतन, तो हाँ जो आपने अभी व्याख्या की कि कर्म मिश्रित भक्ति नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि हाँ ये भी थोड़ा चाहिए और भक्ति भी करेंगे, तो अभी कल से क्या करें, कल से सब कुछ छोड़ के? नहीं, यही पॉइंट है ना, अरिचा क्वेश्चन है। तो कल से क्या करें अभी? तो अभी तो कर्म मिश्र भक्ति नहीं करना है, तो इसीलिए भगवान की पूर्ण शरणागति होने के लिए क्या चाहिए? तो शास्त्र माने श्रद्धा को डेवलप करना चाहिए। श्रद्धा होता है क्या? शास्त्रार्थ विश्वास माने शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर और शास्त्रों को माने भक्ति शास्त्रों को, शास्त्र माने इधर भक्ति शास्त्रों को, तो हर एक माने भगवान की जो भी है महिमा, भगवान की जो भी प्रतिज्ञा है, जैसा भगवान खुद प्रतिज्ञा कर रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, माने भगवान उधर कह रहे हैं कि मैं तो मेरा शुद्ध भक्तों का रक्षा मैं खुद करूंगा, खुद वहन करूंगा, ऐसा वाक्यों की प्रति विश्वास को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों की संगति, बार बार ऐसा जो भी है तो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उन भक्तों की संगति में शास्त्रों को अध्ययन करते करते करते, और उस अध्ययन करने समय आपके अनर्थ जो भी रहते हैं वो नकारता रहता है। अभी आप केवल शुद्ध भक्ति करना चाहिए करके जाने हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति करने के लिए योग्यता को प्राप्त करना है। जैसे हम लोगों को इंजीनियरिंग करने से आपको सॉफ्टवेयर जॉब मिलेगा करके पता है, अभी इस पता करने से अभी नेक्स्ट डे जाके आप जाके कॉर्पोरेट में जो भी है कंपनी में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको इंजीनियर का पढ़ाई करना चाहिए। वैसा ही अभी शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या चाहिए वो करना चाहिए। हम अभी हम लोग क्या समझा रहे हैं आपको, शुद्ध भक्त बनना है करके सुनाया और कर्म मिश्र भक्ति नहीं करना है करके सुनाया गया। अभी कर्म भक्ति नहीं करना है, शुद्ध भक्ति ही करना है, उसके लिए योग्यता कैसा आएगा? बिना योग्यता को जाएंगे उधर तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और उधर जाऊंगा तो क्या होगा? तब तो नगर का नघाट का। तो मैंने आप वैसा, क्योंकि आपको भगवान की जो भी शास्त्रों में जो भी अर्थ है कंक्लूजन्स हैं उसका उस पहले वो क्या है वो भी नहीं पता है, और उस पर विश्वास भी नहीं है, और वो विश्वास को आप अभी तक प्राप्त नहीं किए, वो नेचुरली आना चाहिए। वो कब आएगा? जब शुद्ध भक्तों की संगति में रह के भक्ति के बारे में बार 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 श्रवण करेंगे और उसको प्रायोरिटी देकर जीवन में उसी का श्रवण करते रहेंगे। और भागवत में जो भी कहानियां हैं उसको बहुत माने अंदर तक विश्वास पूर्वक जब उसका अध्ययन करेंगे, उस पर विश्वास हो जाएगा, तब नेचुरली छोड़ देंगे आप। तो इसीलिए अपना जीवन में प्रायोरिटीज किसको रखना चाहिए? तो भागवत और भागवतों का जीवनी को अध्ययन करना, वही भागवत है। और अध्ययन करके अपना श्रद्धा उस पर विश्वास को माने उस पर विश्वास को बढ़ाना, ये प्रायोरिटी है। और जीवन पालन पोषण करने के लिए जो भी है, अभी तो पूर्ण रूप से निराश्रित तो नहीं है, लेकिन जो भी सेवा जो भी कमाई दमाई कर रहे हैं वो उसका हाई प्रायोरिटी नहीं रखना चाहिए। केवल शरीर को चलाने के लिए उतना स्वल्प मात्र तो अर्जन करो और उससे आप अपना जीवन चलाते हुए इस पर अभी इसका प्रायोरिटी को बढ़ाइए, इसको बढ़ाना चाहिए। भागवत की भक्तों की शुद्ध भक्तों की संगति करके और उस भगवत वाणी पर विश्वास बनाना चाहिए। तब जाकर जब शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? 24 आवर्स 24 घंटा साक्षात भक्ति माने 64 अंग जो भी कहा गया भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें किसी न किसी एक अंग को 64 माने 24 घंटा 24/7 करने की क्षमता आना चाहिए। उतना श्रद्धा होना चाहिए आपको। अभी है क्या उतना श्रद्धा? है नहीं। तो इसीलिए अभी तुरंत अभी नेक्स्ट डे मैं छोड़ूंगा तो अभी आपको उतना श्रद्धा नहीं, 24 आवर्स डायरेक्ट साक्षात भक्ति करने के लिए योग्यता भी नहीं है, और इधर कर्म भी छोड़ दिए मैंने, एक नियम पालन मैंने एक धर्मयुक्त जीवन भी जीना छोड़ दिए, तब तक क्या बनेंगे? तब साधु, सो कॉल्ड साधु बनेंगे और पीछे का
काला जीवन जीते रहेंगे, क्योंकि उधर तो 24 घंटा अपने आप को भक्ति में एंगेज करने के लिए उतना श्रद्धा तो है नहीं, तो इसीलिए आप भक्ति तो नहीं कर पाएंगे और अयोग्य हैं उसके लिए। और इधर सामाजिक धर्म का अनुसार जो भी है तो आपको भौतिक इच्छा अभी भी है और मोह इधर भी है और आश्रय अभी भी भौतिक कर्म पर अभी भी आश्रित है और अभी कर्म भी छोड़ दिए, अब तो क्या होगा? जगत वंच कहा, पूरा दुनिया को चीटिंग करेंगे वो लोग, तो केवल बस नाम के बस साधु बनेंगे, काम का नहीं है, और पूरा गंदा जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए योग्यता को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्ति है क्या? अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतमानुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। तो हमारा आचार्य जो भी भक्ति का डेफिनेशन दे रहे हैं उसका अर्थ क्या है और उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और उसके लिए हमको कैसा साधना बनाना है और उसमें जीवन में किसका प्रायोरिटीज रखना है, अभी मैं कहाँ हूँ और मेरा श्रद्धा किस में है और इसकी जो श्रद्धा नहीं बन रहा है सुनने के बाद भी इसका क्या अनर्थ कारण है और उसको कैसा मिटाना है, बहुत प्रोसेस रहता है सब। इस प्रोसेस को हम लोगों सटीक से फॉलो करना चाहिए, तब जाकर अभी जीवन में हम लोग एक प्रॉपर तरीका से तो हम लोग डेवलप हो सकते हैं भक्ति में। यदि आप हम लोग सोचेंगे मैं अच्छा बढ़िया तरीका भक्ति कर रहा हूँ, यही इतना भक्ति काफी है भगवत धाम जाने के लिए, ऐसा सोचेंगे तो भी नुकसान है। आप हम लोग ऐसा पूरा समय बिता देंगे और पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी तैयारी है वो सफिशिएंट नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, फिनिश, आप लूजर हैं। दूसरा, एकदम थोड़ा मोड़ा जान लिया और सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उधर शुद्ध भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, उधर चीटर बन गए और इधर भी सही ढंग से जीवन भी नहीं जी रहे हैं, सामाजिक रूप से अधर्म जीवन, तो धर्मयुक्त जीवन जीना है। अभी शुद्ध भक्ति के नाम पर तो श्रद्धा नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति में कूद लिया और अधर्मयुक्त जीवन जी रहे हैं और पूरा ऊपर का नाटक कर रहे हैं, तो वो भी वंचक हैं, वो भी खत्म है। और नहीं तो शुद्ध भक्ति की महिमा को नहीं जान लिया, केवल कर्म करते रह रहे हैं और काम धंधा कर रहे हैं और कमा रहे हैं और बस खा रहे हैं पी रहे हैं और समाज में एक जीवन एक मनुष्य की जैसे जी रहे हैं बस, तो इंद्रियों को भोग रहे हैं बस, इतना ही है, उनका भी जीवन खत्म है। तो इसीलिए भागवत में आपको वर्णन किया जाता है कैसा भक्ति में वृद्धि होना चाहिए, तो तरीका दिया गया, स्टेप्स, सीढ़ी दिया गया और उन सीढ़ियों के अनुसार आप तो चढ़ना चाहिए, तभी आप गम्य स्थान को पहुँचेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? बोलिए माता जी। बहुत कठिन लग रहा है। बहुत कठिन? कैसे इतना सब कुछ कैसे? आपकी क्लासेस हर संडे से नहीं देते हैं? आपकी क्लासेस सुनते टाइम तो एक्चुअली सुनने से ही आपको रास्ता खुलता जाएगा, नहीं तो पूरा एकदम ऐसा लगता है, अभी तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा जंगल में बीच में आपको रख दिया गया, अरे बाप रे कहाँ जाने क्या इतना है तो ये कैसे है एक्चुअली कैसे है। लेकिन हमारा हिंदी लेक्चर्स भी भगवद गीता हम लोगों 12 चैप्टर किए हैं अभी तक, मैंने 6-6 चैप्टर करके एक एक मॉड्यूल में, तो यदि आप लोगों का समय रहते तो आपको अच्छा से एक मैंने विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री लेके हम लोग किए हैं, तो उसको आप लोग देख के सुनिए। और कई मैंने श्रद्धा शरणागति एक कोर्स किया है इंग्लिश में, और भक्ति प्रकार कितना प्रकार का भक्ति होता है और हम किस प्रकार की भक्ति कर रहा हूँ, कर्म मिश्र भक्ति क्या है, भक्ति मात्र काम कर्म मिश्र भक्ति, सकाम कर्म मिश्र भक्ति और कैवल्य काम कर्म मिश्र भक्ति कितना प्रकार की रहता है और मैं किस प्रकार की भक्ति में हूँ और इससे बाहर कैसा आना है, ये सभी भी डिस्कस किया गया। और साधुओं का किससे पहचानना है, साधु कौन है और किस प्रकार के साधु से एसोसिएट करना है, काफ़ी चीज़ों को जानना है। ये एकदम अंधा प्रोसेस नहीं है भक्ति, इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मेरा पुस्तकों को बारीक तरीका से आप लोग अध्ययन करिए तभी जाकर आपको तो आपको क्या करना है पता चलेगा। यदि आप बारीक तरीका से अध्ययन नहीं करेंगे तो जैसे बस अंधे बैल जैसा खेत में चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे तो क्या होगा, तो कोई काम होगा क्या? कुछ नहीं। तो वैसे नहीं चलना चाहिए। आ चल रहे हो सोलामाला कर रहे हैं प्रभु, ठीक है तो क्या है, तो भगवान ही बोलेंगे ठीक है बाद में देखते हैं, और जब आप पूरा शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब लूंगा
तो इसीलिए हमारा आचार्य और श्रील प्रभुपाद और पूर्व आचार्य हम लोग तो आप लोग तो महान है, इतना तो व्यवस्था रख के तो कम से कम सत्संग हफ्ते में रखे हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली एक एक गाइडेंस है। लेकिन आप अपना हर दिन का जीवन एकदम बारीक तरीका से हर एक क्षण को कैसा भगवान की सेवा की तरफ, भगवान की आपका दूर माने भगवान से आपका सो माने पास नज़दीक माने आप भगवान के क्लोज होते होना चाहिए, और बाकी संसार का और सांसारिक जो भी है निभाने की जो भी धर्म इत्यादि है उससे धीरे 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 एक्सपर्टली धीरे धीरे आप उससे छूटते जाना है और भगवान की आश्रय बढ़ते जाना चाहिए। अभी तो हम लोगों दोनों पर आश्रित हैं, थोड़ा भगवान के ऊपर थोड़ा बाहर की माने जो भी है कर्म ज्ञान इत्यादि का ऊपर भी, सो बंधु बांधवी और मित्र इत्यादियों पर भी आधारित हैं, और उस पर जो भी है आपका डिपेंडेंसी उसको धीरे धीरे हटा के पूरा भगवान पर आश्रित होना, ऐसा चेतना को बनाना, ये सब कुछ बनाना सीखना चाहिए। जितना आप आश्रित हो रहेंगे उतना टेस्ट भी मिलेगा एक्चुअली उतना, क्योंकि भगवान इतना आसान से हैं और नहीं रहने देते हैं भगवत धाम, एक्चुअली माया देवी छोड़ती नहीं है, तो कितना आप आश्रित है तो और जाएंगे उतना टेस्ट भी देना पड़ेगा, तब जाकर जब आप पूरा एकदम भगवान की तो अनन्य भक्त है और उनकी ऊपर अतिरिक्त किसी के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, और अन्यों के प्रति भरोसा रखना भी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है करके सिद्ध होता है। अन्यों के प्रति श्रद्धा रहना भी माने मेरा बॉस के प्रति नहीं तो मेरे परिवार के प्रति नहीं तो ये है, तो केवल करते तो भी हम चेतना ऐसा करना है कि धीरे 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 तो केवल एक ड्यूटी की तरह ऐसा करना है, लेकिन केवल भगवान के प्रति आश्रित होना चाहिए। तो ऐसा ये बिगिनिंग है, लेकिन कैसा होना है और कैसा हुए हैं लोग ये सभी आप भागवत से सुनेंगे। एक्चुअली भागवत का हर एपिसोड में गजेंद्र जी भी तो शरणागत हुआ या नहीं अल्टीमेट, पहले तो मेरे पत्नी बच्चे सब रक्षा करेंगे सोचें देखें तो वो लोग कुछ नहीं किए तो चले गए, लेकिन अपना दम भी लगा है तो 1000 साल लड़ लिया फिर भी हमसे नहीं हो पा रहे, चलो भगवान का ही शरणागत लेंगे तब जाकर भगवान रक्षा किए, नहीं तो पहले ही आना चाहिए, 1000 साल क्यों वेट किए। जब तक भगवान के आश्रित नहीं होंगे तब तक वो नहीं लेंगे, एक्चुअली नहीं चाहिए हमको। ऐसे तो हजारों लोगों दुख में है इस दुनिया में, तो नहीं भगवान वो अपना अपना कर्म के अनुसार कोई ना कोई एक दुख भोगते रहते हैं, लेकिन भगवान प्रेम चाहिए उनको और भक्ति चाहिए। जो भी शरणागत होंगे उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन उस पर कितना विश्वास है आपको वो अभी हम लोगों वर्कआउट करना है उस पर, ठीक है। हम लोग आगे तो और भी चर्चा करेंगे भागवत, इसीलिए व्यास जी ये जो हम लोग अभी को कैसा सरेंडर होना है भगवान को समझाने के लिए ही इतना बड़ा बुक बना दिए भागवत, और उस पर आचार्यों अच्छा से विवरण करते हुए लिखे भी हैं। तो इसीलिए भागवत का अध्ययन आपको निरंतर करना है, नित्यम भागवत सेवाया, उसका उद्देश्य जानकर करना चाहिए, वो उद्देश्य अभी इस प्रसंग से समझ में आएगा भागवत का उद्देश्य, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए गुरु जी का यह प्रवचन। 2 घंटा सुने ये लोग महान है आप सब। इतना तो मैं आखिर में एक एक स्टेटमेंट में कहता हूँ टेक अवे पॉइंट, तो अभी हमें जानना जरूरी है, जैसे माता जी कह रहे थे कि बहुत कुछ देख लिया, अभी तो ऐसा लग रहा है कि करना क्या है, होगा नहीं होगा, तो गुरु जी ने भी बताया कि सर ऐसा लग रहा है कि जंगल में बैठ गए एकदम, और बीच में कहाँ जाना है पता नहीं। तो इस प्रवचन से हमने डरने की जरूरत नहीं है, yes. हमने इस प्रवचन से यह टेक अवे पॉइंट लेके जाना है कि भक्ति कितना सीरियस पॉइंट है हमारे जीवन में, भक्ति के अंगों को पालन करना कितना जरूरी है और कितना सीरियस है। ये इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हमें सुनाई पड़ता है कि प्रसाद खाओ फिक्र करो और बैक टू वॉलेट जाओ, ठीक है वह भी है और वह भी है, ऐसा नहीं कि वो झूठ है या गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे प्रभु जी बता रहे कि भक्ति के अंगों को पालन करना, भागवत महापुराण जो बताया गया है ये बहुत सीरियस है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा और इन पर विचार करते हुए अपने जीवन के हर एक पल को जीना पड़ेगा।
तो हमने डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को सीरियसनेस लाना है, इस चीज़ को पक्का करना है। जिस तरह से प्रभु जी बता रहे थे शुरुआत में कि इस प्रसंग को लेने का उद्देश्य क्या है, कि हमें भागवत की महत्वता समझ में आएगी बाकी पुराणों से। तो अब आपको समझ में आ गया भागवत की महत्वता क्या है, और अभी हमें उन्हें पालन करना है, अध्ययन करना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम वेणुगोपाल प्रभु को अपने हृदय से एक बार धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गोपाल की जय। वेणुगोपाल प्रभु की जय। समस्त गौर भक्तवृंद की जय।